आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रॉपर है? अगर हाँ तो एक बार रिप्लाई कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं आज के स्पेशल सेगमेंट को। हाँ जी, यस, एम आई ऑडिबल? क्या प्रॉपरली सब कुछ रनिंग है? एक बार कमेंट बॉक्स में आपका मैसेज जो है वो आ जाए, फिर हम इस सेशन को क्या करते हैं, परफेक्ट वे के अंदर शुरू करते हैं। देखिए, आज जिस टॉपिक पर अपन डील करने वाले हैं वो टॉपिक अपने आप में बहुत ही रिलेवेंट होता है, खासकर उन सेगमेंट के अंदर जहाँ पर कई सारी चीज़ें हमारे लिए मैटर करती है लॉ के फील्ड में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद कहीं कहीं ऑडियो वीडियो का इश्यू शायद आप लोग फील कर रहे हैं। एक बार कंफर्मेशन इस बात का आ जाए कि ऑल सेट है, तो फिर अपन इस सेगमेंट को, इस क्लास को जो क्या करते हैं, ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच मिनिता जी। चलिए अब देखिए, जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। पहले मैं आपको शुरुआत में रोड मैप बता देता हूँ कि बेसिकली आज के इस स्पेशल रैपिड रिवीजन सेशन के अंदर हम लोग करने क्या वाला है। पूरी एनर्जी के साथ में जुड़ जाइएगा क्योंकि मज़ा तो आएगा ही आएगा, साथ ही में कई सारे एस्पेक्ट जो हैं हम लोग डील करेंगे सेक्शन 1 से लगाकर सेक्शन 75 तक जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैं, जहां पर जनरल प्रिंसिपल्स दे रखे हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उन सारे सेगमेंट्स को वन बाई वन डील करना है। दो पार्ट में आज की क्लास जो है वो डिवाइड होने वाली है। पहला पार्ट है वो क्या होगा, जो कॉन्सेप्चुअल बातें बताएगा, जो क्या बताएगा, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन है जो करवाएगा। और दूसरा पार्ट जो होगा वो इसी चीज का रैपिड रिवीजन कराएगा, जहां पर हम 1, 2, 3, 4 से लगाकर 75 तक के सेक्शंस को एक रिदम के अंदर जो है कवर करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्चुअल बातें भी समझना है और साथ साथ में दूसरी चीजों को भी, खासकर रैपिड एस्पेक्ट को भी डील करना है। ये क्लास थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, स्पेसिफिकली एग्जाम आर्ट्स में हमें क्या होता है, टू द पॉइंट पढ़ना पड़ता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये चीज़ जो है प्ले होगी। वैसे खेलने से याद आया कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जिंदगी जो है वो खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट अगर आपके दिल के अंदर उतर जाए ना, तो इसको कभी बाहर मत निकाल देना। कई बार लाइफ में संघर्ष, स्ट्रगल जो होता है ना, उसके पीछे हर एक वजह, एक पर्पस होता है, किसका, ऊपर वाले का, उस मालिक का, है ना। तो जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, जितने भी स्टूडेंट है ना, सबकी एग्जाम में यही हालत होती है कि कुछ भी याद नहीं आ रहा है, क्या होगा एग्जाम के अंदर, है ना। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, तो प्रॉब्लम लाइफ का पार्ट है, है ना, इसलिए टेंशन वेंशन नहीं लेना है। लेट मूव ऑन, चलते रहो, इसी का नाम क्या कहा जाता है, जिंदगी है। राइट नाउ ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्पेसिफिक सेगमेंट को। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमेशा हमारी जिंदगी के आजीवन जो पहलू होते हैं उसके अंदर डील किया जाता है। आप चाहे किसी भी तरीके से देख लें, अगर आप, आपके घर के आगे गली के अंदर सब्जी वाला भी गुजर रहा है और आप उससे कहते हो कि कितने की सब्जी है, आलू क्या रेट है, वो कहता है 20 रुपए किलो, आप कहते हो चलो 3 किलो डन कर दें, तो यहां पर भी आपके और उसके बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्या हुआ है, आपके और उसके बीच में जो है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट यहां पर हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल, एक कैजुअल पार्ट है जो प्ले होता है। अब देखिए, हमारे पास में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या नाम है कानून का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पूरी स्पीड और पूरे एनर्जी के साथ में जुड़ जाना क्योंकि आज की क्लास वाकई में बहुत ही दिल को छूने वाली होगी और माइंड में हमेशा रहने वाली होगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहने को तो ये कानून कब लागू हुआ था, 1 सितंबर को लागू हो गया था 1872 को, यानी कि अंग्रेजों के जमाने का कानून है। बिफोर इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस का जो कानून है वो यहाँ पर अब आपके लिए रनिंग चल रहा है। और इस कानून के अंदर जो है ना, सबसे अहम बात यह है कि इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि इसमें हर वो चीज़ अभी भी चल रही है। लगभग कितने साल हो गए अगर आप इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 150 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, फिर भी एक कानून अभी भी चल रहा है। नाउ अब देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1 सितंबर 1872 को जो लागू हुआ था, ये अपने आप में दो भागों में डिवाइड होता है। ये क्या होता है, दो सेगमेंट के अंदर जो है डिवाइड होता है।
एक सेगमेंट वो आता है जो इसके बेसिक सिद्धांतों को, जनरल प्रिंसिपल्स को बताता है कि बाय डिफॉल्ट जो है कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एक तो होगा सेगमेंट आपके जनरल प्रिंसिपल्स को डील करने वाला, और एक होता है जहां पर कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको दे रखे हैं, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो सकता है, जैसे आपके इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, एजेंसी अभिकरण हो गया वगैरह, है ना, ये सारी चीज़ें आपके वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो जनरल प्रिंसिपल है ये हर जगह अप्लाई होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि चाहे आप LLB कर रहे हो या कर चुके हो, दोनों में से कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो या फिर किसी न किसी जुडिशरी या लॉ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यकीन मानिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है उसकी जानकारी होना तो बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और इसलिए भी पता होना ज़रूरी है कि अगर आप मान लीजिए जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो या लॉ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जजमेंट राइटिंग का जो पोर्शन होता है, सिविल जजमेंट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट अच्छे से सुन लीजिए, सिविल मेंस का जो पेपर होता है ना, सिविल मेंस के अंदर जुडिशियल जजमेंट राइटिंग का जो सेगमेंट आता है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बिना आप जजमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर जजमेंट जो है वो कहीं कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वगैरह से आ रखा है तो, यानी कि हर जगह पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ऑटोमेटिक एप्लीकेशन होता है। ओके, ठीक उसी तरीके से जैसे बचपन में हम लोग काउंटिंग सीखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उस समय हमें नहीं पता होता है कि काउंटिंग का क्या रोल होगा, लेकिन आज के समय में आप सभी को ये जानकारी है कि अगर किसी इंसान को काउंटिंग नहीं आती है तो उसका काम अधूरा है। इन द सेम मैनर सी फॉर काउंटिंग भी होता है, सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी होता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट लॉ को उतनी ही अहमियत के साथ में देखेगा जितनी अहमियत के साथ में आप लोगों ने बचपन में काउंटिंग वगैरह को सीखा था। ठीक है, हालांकि उसमें हम लोगों ने अहमियत दी नहीं, हमें बड़ा आलस आता था स्कूल जाने के अंदर भी। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे सामने है वो ये है कि जनरल प्रिंसिपल जो है वो आपको ज़्यादा नहीं, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक मिलेंगे। कितनी 75 जो धाराएं हैं वो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस पार्ट में डील करती है, और ये प्रोविज़न जो है वो भी क्या होता है, कुछ अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो रखा होता है। जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, प्रपोजल कम्युनिकेशन वगैरह क्या चीज़ होती है, वॉइड एग्रीमेंट किसको कहेंगे अपन, है ना, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो किसको कहा जाएगा, परफॉर्म कौन करेगा कॉन्ट्रैक्ट को, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट एग्रीमेंट जो है वो क्या होते हैं, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उस मामले को कैसे डील किया जाता है। याद रखना अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पर्सनली खुद को उस जगह पर रख के देखें। ठीक है, मतलब क्या होता है कि दो पर्सन के बीच में, कॉन्ट्रैक्ट एक तरह का प्राइवेट नेचर का लॉ होता है, इसके अंदर सामान्यतः दो पर्सन के बीच में कुछ टर्म्स एग्री हो जाते हैं। एक पर्सन जो है किसी के सामने कुछ ऑफर रखता है, प्रस्ताव रखता है, प्रपोजल रखता है, दूसरा पर्सन उसको एक्सेप्ट करता है, उसके बाद में तय किया जाता है कि कंसिडरेशन जो है वो क्या होगा। कंसिडरेशन का मतलब होता है अमाउंट, प्रतिफल। मैं कहता हूं कि मुझे तुम्हारी बाइक खरीदनी है, उसने कहा कि बाइक मैं बेचने के लिए तैयार हूं लेकिन 1,00,000 रुपए लगेंगे, तो ये जो 1,00,000 रुपए है ना इसको बोला जाता है कंसिडरेशन। क्या कहेंगे अपन, कंसिडरेशन जो है वो कहा जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब आप इस पॉइंट पे बात करते हो तो आपको ये भी चीज जरूरी है समझना कि शुरुआत कहां से करें। प्रॉब्लम आती है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। हम लोग ट्रेडिशनल तरीके में ये पढ़ते आए हैं कि सेक्शन 1 2 3 4 से स्टार्ट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, लेकिन हकीकत यह है कि वो गलत तरीका है। हकीकत यह है कि वो अपने आप में एक बेटर तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, आइए ज़रा उस पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले अगर आपको सबसे पहले किसी चीज़ को डील करना चाहिए ना, तो वो आपको डील करना चाहिए सेक्शन 10। जब हम सेक्शन 10 के बारे में बात करेंगे ना, तो कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। सेक्शन 10 बेसिकली बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड कब होता है, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का अगर आपको एलिमेंट लिखना है तो आप कुछ मत करो, आप सेक्शन 10 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इस सेक्शन 10 पे चले जाओ। यहाँ पर वो सारी बातें जो हैं आपको देखने को मिलेगी जो कहीं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेगमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है। जैसे अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ऑफर देता है, दूसरा वाला पर्सन एक्सेप्ट करता है, तब उनके बीच में एक तरह का एग्रीमेंट बन गया। उस एग्रीमेंट
के अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए, और जैसे ही उस एग्रीमेंट को लीगल इन्फोर्सिबिलिटी यानी कि कानून की नज़र के अंदर वो एक वैलिडिटी प्राप्त कर लेता है तो वो एग्रीमेंट आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ओके, एग्रीमेंट छोटी स्टेज है, एग्रीमेंट के साथ जब तक लीगलिटी नहीं आती ना तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट का शेप है जो नहीं लेता है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। लेकिन सेक्शन 10 जो है वो सिर्फ आपको ऑफर एक्सेप्टेंस के बारे में ही बात नहीं करता है, इसके अलावा भी अगर आप सेक्शन 10 की पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे ना तो वहां पर आपको कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो अपने आप में कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि कैपेबिलिटी के पॉइंट को भी क्या करती है, डिस्कस है जो करती है। अब कैपेबिलिटी का जो पॉइंट है, अब कहने को तो छोटा सा एस्पेक्ट दिखता है लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं। हम सभी लोग जानते हैं जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कौन विटनेस बन सकता है, कौन है जो एविडेंस दे सकता है, इसका एक स्पेसिफिक सेगमेंट दे रखा है। ठीक उसी तरीके से ये चीज़ भी आएगी। तो आज शुरुआत में मैं आपको सेक्शन 10 का वो फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसको अच्छे से माइंड में सेट कर लो, दैट्स ऑल। फिर कोई प्रॉब्लम जो है इतनी नहीं आएगी जितनी शायद अभी आप फील कर रहे हो। देखो सेक्शन 10 का मतलब होता है सेक्शन 11 नंबर 1 प्लस सेक्शन 14 नंबर 2 प्लस सेक्शन 23 नंबर 3rd पे ये ऑप्शन आ जाएगा, और चौथा ऑप्शन जो है अगर आप चाहें तो आप नोट्स भी बनाते हुए चलें, आपको भविष्य के अंदर हेल्प मिलेगा। ठीक 23 और साथ ही साथ में नॉट वॉइड अप इन इश्यू, वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होना चाहिए, शुरुआती स्तर पर जो है वॉइड नहीं होना चाहिए। अगर आप रिविज़न भी करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप इस फॉर्मूले से रिविज़न करें। ओके, अगले 10 मिनट के अंदर आपको वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो वाकई में कॉन्ट्रैक्ट लॉ को पढ़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका आपके माइंड में है जो डेवलप कर दिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहाँ से शुरू करें, सेक्शन 10 से शुरू करें हमेशा। मैं तो इसको बचपन से LLB के दौरान से पढ़ता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मेरी तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ में शानदार पकड़ है। सर मैं एग्जाम में नहीं भी पढ़ूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, अरे ना, ये गलत फहमी है, ये क्या है, मिसकंसेप्शन है, इसको बाहर निकाल देना। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जितना आप डेप्थ में जाओगे आपको कई सारी नई चीज़ें भी मिलती हैं, कई सारे नए एस्पेक्ट जो हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अब देखिए सबसे पहले सेक्शन 10 यानी कि इसने कह दिया वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 11 में क्या आता है, 11 के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है वो सक्षम होना चाहिए यानी कि कैपेबल होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर। और कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि वो पर्सन मेजर होना चाहिए यानी कि एज जो है उसकी 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। दूसरा वो व्यक्ति साउंड होना चाहिए, वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही मतलब अपने आप में वो किसी तरीके से डिसक्वालीफाई नहीं होना चाहिए। तीन पॉइंट जो है एक व्यक्ति को कैपेबल बनाते हैं। कौन से तीन पॉइंट होंगे, पहला वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, नंबर 1 मेजर होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात वो व्यक्ति कैसा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब उसका दिमाग प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। और तीसरी बात नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर लॉ, किसी भी कानून के तहत जो है ना उसको निरहित यानी कि डिसक्वालीफाइड नहीं कर रखा है, नॉट डिसक्वालीफाइड अंडर एनी लॉ। अगर ये तीन चीज़ें किसी इंसान में होती हैं तो कहा जाता है कि वो बंदा क्या है, कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ये चीज़ कहाँ लिखी हुई, सेक्शन 11 में लिखी हुई है। अब सेक्शन 11 से ही एक वायर, जैसे ये साउंड माइंड शब्द आ रखा है ना, तो कौन साउंड माइंड है इसको एक्सप्लेन करने का काम करता है सेक्शन 12। ओके, यानी कि सेक्शन 12 जो है वो एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है किसकी, सेक्शन 11 की। सेक्शन 12 जो ये बताता है कि कौन सा पर्सन अनसाउंड नहीं होगा या कौन सा पर्सन साउंड होगा। क्या लिखा हुआ है, जो किसी बात को समझ सके और रेशनल जजमेंट है जो कर सके उसको क्या कहा जाता है, उसको अपने आप में एक तरीके से क्या कहा जाएगा, साउंड पर्सन जो है कहेंगे। ओके, देन आफ्टर यहां पर सेकंड जो पॉइंट आता है उसको जरा समझने की कोशिश करना। अभी जस्ट मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूं तो आप में से किसी कैंडिडेट ने यह सजेस्ट किया है कि सर इसके अंदर सेक्शन 65 को भी जोड़ना है, सेक्शन 65 को भी जोड़ना है। थोड़ा सा धैर्य हम लोग रखें, मैं कुछ और पॉइंट भी आपके साथ ऐड करवाने वाला हूं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना। देखो सेक्शन 64-65 जो है ना वो इक्विटी के कुछ सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, थोड़ा रुक जाते हैं फिर अपन आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 जो है कीवर्ड है किसका, फ्री कंसेंट का, फ्री कंसेंट का। अगर आप किसी व्यक्ति को दबाव में डालकर डरा धमका के अगर कंसेंट लेते हो तो वहाँ पर कंसेंट फ्री नहीं कहा जाती। लेकिन एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है सेक्शन 14 में दे रखा है, और सेक्शन 14 ये कहता है कि अगर कंसेंट के अंदर
कोअर्जन प्रपीड़न नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस असम्यक प्रभाव नहीं है, फ्रॉड कपट नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन दुर्व्यपदेशन नहीं है, तब वो कंसेंट फ्री कंसेंट है जो कहलाएगी। यानी कि सेक्शन 14। अच्छा, फ्री कंसेंट से पहले अगर आप कंसेंट को जानना चाहते हो कि कंसेंट होती क्या है, तो इसको एक्सप्लेन करने का काम करता है सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो है वो ये बताता है कि कंसेंट का मतलब बेसिकली क्या है। तो कंसेंट एक तरीके से अनइक्विवोकल टर्म है जिसमें आप दूसरे व्यक्ति को सहमति देते हो, अपनी एक तरीके से कॉन्विंस देते हो कि हाँ आई एम रेडी फॉर इट, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ओके, तो सेक्शन 13 कंसेंट शब्द को एक्सप्लेन करता है और सेक्शन 14 जो है वो ये बताता है कि फ्री कंसेंट कब होगी। आप सुनिएगा, फ्री कंसेंट का फंडा क्या है। देखो, फ्री कंसेंट वो होती है जिसके अंदर सेक्शन 15 नहीं हो, जिसके अंदर सेक्शन 16 नहीं हो, जिसमें सेक्शन 17 नहीं हो, और साथ ही साथ जिसमें सेक्शन 18 भी नहीं हो, और जिसके अंदर क्या नहीं हो, जिसके अंदर 20 से लेकर 22 तक के प्रोविजन नहीं हो। यानी कि सेक्शन 13 से लेकर 13 से लेकर 22 एक बंच है, आप इसको अलग अलग नहीं पढ़ सकते, और अगर पढ़ रहे हो तो वहां पर हो रही है गलती। सेक्शन 13 से लेकर 22 तक क्या है, एक कमाइंड बंच है, हमें उसको उसी वे में रहकर क्या करना होता है, पढ़ना होता है। ठीक है, तो अब देखिए सेक्शन 15 यहां पर क्या कहता है। तो इसने एक शब्द को एक्सप्लेन किया है और वो शब्द है कोअर्जन। कोअर्जन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एक तरीके से प्रपीड़ित करना, थोड़ा सा उसको थ्रेटनिंग देना, डराना, कहीं की फियर क्रिएट करना, कोअर्जन कहलाता है। सेक्शन 16 ये कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है जैसे आप क्या हो, किसी के टीचर हो, आप टीचर हो तो आप अपने स्टूडेंट को ये कहते हो कि यार मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैंने तुम्हें इतनी सारी चीजें सिखाई है, तुम्हारे पिताजी प्लॉट वॉट में डीलिंग करते हैं तो वो प्लॉट मुझे आधे दाम पे उपलब्ध करवाओ, अपने गुरु के लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या, जिसने तुमको सिखाया उसके लिए इतना भी नहीं करोगे क्या। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन्फ्लुएंसिंग, मैं जो गुरु है वो क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस है जो यूज़ कर रहा है। अब उस स्टूडेंट ने अगर हाँ भी भर दिया है तो उसकी जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट नहीं कही जाएगी। ओके, ठीक है। देन आफ्टर सेक्शन 17 कहता है कपट करना। मतलब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ पता होती है कि गलत है, फिर भी आप उस गलत फैक्ट को सही फैक्ट बताते हो। आपको पता है कि गलत है और गलत को गलत बताना वो अपने आप में फ्रॉड कहलाएगा। गलत को एक तरीके से सही बताना, सॉरी, गलत को जो है आप सही बता रहे हो तो वो फ्रॉड कहलाएगा। और अगर आपको खुद को नहीं पता, आप खुद जो है उस फैक्ट के बारे में अवेयर नहीं थे, फिर भी आपने सामने वाले से डील कर दिया है, तो वो कहलाता है एक तरीके से मिस रिप्रेजेंट करना। अब जैसे आपको पता ही नहीं था कि अगर आपने कोई चेयर लाई है तो उस चेयर का ड्यूरेबिलिटी जो है 3 साल से ज़्यादा का नहीं है, आप कह रहे हो 10 साल तक इस चेयर के कुछ नहीं होने वाला, आप क्या कर रहे हो, मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना। एक आपने क्या किया, क्रीम से बने हुए दूध को, जो पाउडर वगैरह से दूध बना होता है, उसको आपने मिस रिप्रेजेंट कर दिया ये कहते हुए कि नहीं ये तो एकदम प्योर गाय का दूध है वगैरह, तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। और अगर आपका इंटेंशन जो है सामने वाले को फ्रॉड करने का है, तो वहां पर आप ये मान के चलिएगा कि उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, उस सिचुएशन में आपने सेक्शन 17 किया है। तो सेक्शन 18 के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन वाली बात जो है हमारे सामने आएगी, मिस रिप्रेजेंट करना, किसी को दुर्व्यपदेशन करना। तो 15, 16, 17, 18 ये, और दूसरा एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे मिस्टेक का। अब मिस्टेक वाले एस्पेक्ट को थोड़ा सा और डेप्थ के अंदर पढ़ना, क्योंकि मिस्टेक का मतलब अपने आप में बहुत गहरा होता है। मिस्टेक्स जो शब्द है ना, ये शब्द कई चीज़ों से मिलकर बना है। एक डायग्राम आपके सामने रखने वाला हूँ मैं, और इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को इस तरीके से ऑब्जर्व करना कि एक भी लाइन यहाँ पर ड्रॉ हो रही है तो आपके माइंड में वो लाइन छपनी चाहिए, वो लाइन जो है आपके माइंड के अंदर फिक्स हो जानी चाहिए। मिस्टेक का मतलब क्या है, कि आपने जाने अनजाने किसी तरह की त्रुटि कर दी। त्रुटि बोले तो कि आपको जो है नहीं पता था, या आप जो है अनजान रह गए वगैरह, तो उसको कहा जाता है मिस्टेक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं अप्रिशिएट करता हूँ आप में जो कुछ कैंडिडेट्स की, कि जैसे मान लो कोई अनजान व्यक्ति पहली बार इस वीडियो को देख रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है, तो आपने अपने स्तर पर ही उसको जवाब दे दिया, दैट्स रियली गुड, है ना। इससे क्या हो जाता है, समय बच जाता है क्लास का, और समय बचाना ही तो लाइफ का सबसे महंगा काम है। ओके, चलिए, तो मिस्टेक्स का इफेक्ट क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, उसको हमें क्या करना है, ऑब्जर्व है जो करना है। मिस्टेक्स का इफेक्ट है जो क्या होगा,
देखिए, अगर मिस्टेक्स के इफेक्ट को समझना चाहते हो तो पहली बात तो मिस्टेक्स को दो भागों के अंदर क्लासिफाई कर दो। पहला जो एस्पेक्ट होता है वो होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यहाँ पर क्या होता है, फैक्ट कि आपने मान लीजिए मिस्टेक है जो की है, और दूसरा होता है लॉ की मिस्टेक आपने कर रखी है। किसकी कर रखी है, लॉ की मिस्टेक जो है आपने कर रखी है। तो ओके, जो फैक्ट की मिस्टेक होती है इसकी दो कैटेगरी बनती है, इसकी दो कैटेगरी बनती है। जैसे कि एक होती है बायलैटरल, मतलब दोनों पार्टी को नहीं पता, दोनों पार्टी को नहीं पता कि उन्होंने कौन सा फैक्ट मिस कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए, एक पर्सन जो है घोड़ा खरीदने के लिए जाता है किसी अस्तबल के मालिक के पास में, ठीक है, और उस ऑनर से कहता है कि मुझे ब्लैक कलर का घोड़ा चाहिए। तो उस मालिक ने, ऑनर ने कहा कि ठीक है, मेरा जो ब्लैक कलर का घोड़ा है मैं वो तुम्हें 30,000 के अंदर सेल करता हूँ, ठीक है। अब जिस समय डील हो रही थी उसमें एक्चुअली जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो ख़त्म हो चुका था, वो मर चुका था, लेकिन इसके बारे में ना तो बेचने वाले को, सेलर को पता है, ना बायर को पता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको बोला जाता है बायलैटरल मिस्टेक्स। क्या बोलेंगे अपन, बायलैटरल मिस्टेक्स है जो कहा जाएगा, ओके। और एक होती यूनिलैटरल मिस्टेक, जहाँ पर एक पार्टी जो है वो किसी न किसी कारण से मिस्टेक कर लेती है। तो बायलैटरल मिस्टेक्स और यूनिलैटरल मिस्टेक्स, सबसे पहले तो ध्यान रखना कि बायलैटरल मिस्टेक जो होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देती है। VOID, वॉइड का मतलब होता है जीरो, ZERO, इसका कोई प्रभाव जो है वो नहीं होगा। तो जहाँ पर बायलैटरल मिस्टेक होती है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और जहाँ पर यूनिलैटरल मिस्टेक है, अगर यूनिलैटरल मिस्टेक होती ना वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, याद रख लेना। जहाँ पे यूनिलैटरल मिस्टेक है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन यूनिलैटरल मिस्टेक किसकी, फैक्ट की। आपको शब्द यहाँ पर वैलिड नहीं मिलेगा जब आप बेरेक पढ़ोगे, वहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉट वॉइडेबल, यानी कि वॉइडेबल नहीं है। अच्छा, ये दोनों टर्म्स आ ही गए तो मैं इनको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। यहाँ पर ये जो शब्द हैं, वॉइड हो गया या फिर एक तरीके से वॉइडेबल हो गया, इन शब्दों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कहाँ पर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 में। डेफिनेशन की जहाँ पर बात आती है, डेफिनेशन क्लॉज की जहाँ पर बात आती है, आपको क्या करना चाहिए, आपको हमेशा डेफिनेशन तब पढ़नी चाहिए जब उसकी एप्लीकेबिलिटी हो रही हो। वापस सुनना सेंटेंस को, आपको डेफिनेशन क्लॉज तब पढ़ना चाहिए जब उसकी एप्लीकेबिलिटी हो रही हो। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके सामने शब्द आ गया कि बायलैटरल मिस्टेक कर दी फैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो ये सही टाइम है कि आप सेक्शन 2 के क्लॉज जी को जाकर पढ़ें कि वॉइड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर बात आती है यूनिलैटरल वॉइडेबल हो जाने की, तो यहाँ पर ये सही समय है कि आप जाके 2 के क्लॉज आई को पढ़ें, ओके। तो इस तरीके से जहाँ पर डेफिनेशन का एप्लीकेबिलिटी होता है उस समय हमें क्या करना चाहिए, उस डेफिनेशन को रीड आउट करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, तो यूनिलैटरल, अच्छा अब जरा सेक्शन के बारे में बात कर लें, तो ध्यान रखना ये जो प्रोविजन है वो सेक्शन 20 के अंदर मेंशन कर रखा है, ये जो प्रोविजन है वो सेक्शन 22 के अंदर मेंशन कर रखा है। अब रही बात लॉ की, तो ध्यान रखना लॉ के केस में भी दो कैटेगरी बनेगी, क्या आपने गलती किसकी की है, क्या आपने जो मिस्टेक की है वो मिस्टेक इंडियन लॉ की है, वो मिस्टेक किसी भारतीय कानून की है, या फिर वो मिस्टेक जो है किसी फॉरेन लॉ की है। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन से लॉ का मिस्टेक्स है जो किया है। अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक्स की है तो ध्यान रखना इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इंडियन लॉ के बारे में आपको जानकारी नहीं थी और आप इस भ्रांति में रह गए, आप इस मिसकंसेप्शन में रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर क्या है, वैलिड है जो रहेगा। लेकिन अगर आपने फॉरेन लॉ की मिस्टेक की है तो ध्यान रखना वहां पर आपको अप्लाई करना है क्या, फैक्ट की मिस्टेक्स के प्रावधानों को। कहने का मतलब जब ये वाला सीन होता है ना, तो इस केस में यहां पर सीधा ये एप्लीकेबिलिटी हो जाता है। तो फॉरेन लॉ इक्वल टू फैक्ट, नोट कर लेना इस बात को, फॉरेन लॉ को एक फैक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, विदेश का जो कानून है उसको एक फैक्ट की, तथ्य की तरह जो ट्रीट है जो किया जाता है। और ये बात जो है कहाँ लिखी हुई है, सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ये बात आपको लॉ की मिस्टेक्स के बारे में सेक्शन 21 जो है वो डील करता है, ओके। तो इस तरीके से फटाफट मेरे साथ रिकॉल कर लो, सेक्शन 13 ने हमको बताया कंसेंट क्या होती है, सेक्शन 14 ने बताया फ्री कंसेंट है जो कब होगी, तो फ्री कंसेंट तब होगी जब 15 से लेकर 22 तक के प्रोविजन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता है। 15 के अंदर बात आती है कोवर्जन की, 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस का, 17 में फ्रॉड का, 18 में आपके बात आती है मिसरिप्रेजेंटेशन का,
उसके बाद में 19 और 90A अभी डिस्कस करेंगे। 20 के अंदर बायलैटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज के द्वारा मिस्टेक कर दी गई, फैक्ट्री कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया वहां पर। और 21 के अंदर लॉ की मिस्टेक है, तो इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉरेन लॉ की मिस्टेक है, अगर फॉरेन यानी कि विदेशी कानून का किसी तरीके से कोई आपने त्रुटि किया है, मिस्टेक किया है, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है फैक्ट की मिस्टेक की तरह डील है जो किया जाएगा। और इंडियन लॉ का है तो ऐसा मैंने बताया कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, तो ये जो सेगमेंट है ना, ये है आपके मिस्टेक्स का। इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को अभी तो भले ही आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करो, लेकिन जब आप टेलीग्राम चैनल के अंदर जाओगे तो टेलीग्राम चैनल के अंदर इस क्लास की PDF आपको मैं उपलब्ध करवाने वाला हूँ। याद रख लो, सुन लो अच्छे से। आप में से वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। लिंकिंग लॉज अन अकेडमी या फिर लिंकिंग लॉज तनसुख सर, दोनों में से किसी टेलीग्राम चैनल के अंदर आप जाके जुड़ जाओ। वहाँ पर आपको जो है इस क्लास का PDF जो है वो मिल जाएगा। और नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपका स्पीड अच्छा है तो आप साथ साथ में नोट भी करते हुए चल सकते हैं, ठीक है। तो ये है मिस्टेक वाला प्रभाव। अब मैं आपको दो सेक्शन के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्री कंसेंट के पॉइंट को, तो फ्री कंसेंट के अंदर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आई। एक बात ध्यान रखना कि सेक्शन 15, सेक्शन 17 और 18 इनके संबंध में बात करता है सेक्शन 19। और ये कहता है कि अगर कोर्जन है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। अब वॉइडेबल शब्द क्या है? वॉइडेबल का मतलब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर, एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड हो सकता है, किसी एक पार्टी के ऑप्शन पर वॉइड हो सकता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको वॉइडेबल कहा जाता है, शून्य करणीय कहा जाता है। क्या कहते हैं? शून्य करणीय। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के तौर पर अभी मैंने आपको टीचर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल बताया कि टीचर ने स्टूडेंट को अंडू इन्फ्लुएंस किया और इस तरीके से उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या कर दिया, उसने उसको आधी रेट पे प्लॉट खरीद लिया। ये चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी? वॉइडेबल हो जाएगी। ये चीज़ क्या हो जाएगी? वॉइडेबल, मतलब वो स्टूडेंट चाहे तो भविष्य में उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है, वॉइड कर सकता है। ओके, इसको वॉइडेबल है जो कहा जाता है। तो इनके बारे में जहाँ पर फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन है या कोर्जन है, वहां तो सेक्शन 19, ओके। और जहां पर अंडू इन्फ्लुएंस है, असम्यक प्रभाव है, वहां पर कौन सा सेक्शन आता है? वहां पर आता है आपके 19A। कौन सा आ जाएगा? 19A। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है इस तरीके से, तो सेक्शन 11 अपनी जगह पर और 14 अपनी जगह पर, ठीक। अब बात आते हैं अपन तीसरे एस्पेक्ट पे। अभी तक देखो मैंने आपको दो एलिमेंट बताए, अभी तक आपको दो एलिमेंट बताए हैं किन किन चीज़ों के बारे में। पहला जो आपका एलिमेंट था वो था सेक्शन 11। आप एक चीज़ की खूबसूरती देखना कि सेक्शन 10 से लेकर 3030 तक, सेक्शन 10 से लेकर 3030 तक जो है ना, वो एक फॉर्मूले के अंदर स्ट्रक्चर होने वाली चीज़ है। अगर उस एक फॉर्मूले को आपने अच्छे से डील किया तो यकीन मानिए कि आपको उस एस्पेक्ट को समझने में ज़्यादा परेशानी जो है नहीं होगी। तो इस फॉर्मूले के दो एलिमेंट हमने अभी डिस्कस किए और आइए अब बात करते हैं तीसरे एलिमेंट की। तीसरा एलिमेंट कहता है कि कौन से ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन जो हैं वो अनलॉफुल नहीं होंगे, यानी कि लॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन। अब दोनों का मतलब समझ लीजिए। कंसिडरेशन मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, रेट क्या लगेगा, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप सेल कर रहे हो तो कितने में बेचोगे, वो उसका कंसिडरेशन जो है कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होने वाले, तो आपको 23 के अंदर दे रखे हैं। तो आइए ज़रा सेक्शन 23 के बारे में बात करें और 23 को इसलिए भी समझना ताकि इसके किसी पॉइंट पर आप भविष्य में अटको नहीं। ओके, लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होता है, अक्सर ये एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, अक्सर एग्जाम के अंदर जो है ये पॉइंट आ जाता है। तो अब देखिए कौन कौन सी चीजें हैं, इसकी भाषा जो है ना नेगेटिव दे रखी है, इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो नेगेटिव वे में दे रखी है। आपको ये बता रखा है कि कौन से अनलॉफुल है, उनको ध्यान रख लो तो भविष्य में लॉफुल क्या है ये पता चल जाएगा, जो अनलॉफुल नहीं है वो क्या हो जाएगा, वो एक तरीके से लॉफुल होगा। तो पहला जो सेगमेंट है वो ये है, अगर कोई चीज लॉ के द्वारा फॉरबिडन है, क्या शब्द आ जाएगा, निषिद्ध है, फॉरबिडन है,
तो वो चीज अनलॉफुल होगी। फॉरबिडन का मतलब क्या हो जाएगा, निषेध कर रखा है या निषिद्ध कर रखा है कानून की दृष्टि से, तो उसको कहा जाता है फॉरबिडन। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा, फॉरबिडन के बाद में अगर वो प्रोविजन लॉ के किसी एस्पेक्ट को डिफीट करता है, लॉ के किसी प्रावधान को डिफीट करता है, मतलब लॉ के प्रावधानों को क्या करता है, एक तरीके से विफल बनाता है, तो तीसरा अगर वो अपने आप में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, वो क्या है, आप किसी फ्रॉडुलेंट कपटपूर्ण किसी एक्टिविटी को करने के लिए बना रहे हो, तो वो भी अपने आप में क्या कहलाएगा, अनलॉफुल है जो कहलाएगा, या फिर वो किसी इंसान के लिए क्षति पहुंचाने वाला है, क्षति पहुंचाने यानी कि इंजरियस है, क्या है, इंजरियस, तो वो भी क्या हो जाएगा वहां पे, अनलॉफुल है जो हो जाएगा। और लास्ट में एक बात अच्छे से जान लीजिएगा कि अगर वो क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अपोज्ड है, क्या है, पब्लिक पॉलिसी जो लोक नीति होती है उसके अगेंस्ट है या इमोरल है, तो उस केस के अंदर भी उसको क्या माना जाता है, अनलॉफुल है जो माना जाता है। और ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो चीज अनलॉफुल है वो वॉइड होगी, जो चीज अनलॉफुल है वो क्या होगा, वॉइड है जो होगा, वो अपने आप में वॉइड है जो कहलाएगा। इसीलिए क्या है यहां पर कि सेक्शन 23 के तहत चीज वैलिड होनी चाहिए। अगर आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हो तो सेक्शन 23 के तहत क्या होनी चाहिए, वो चीज अपने आप में वैलिड है जो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सेगमेंट आता है किसके बारे में, आपके सेक्शन 23 के बारे में। और ये सेगमेंट भी इस फॉर्मूले के तहत समझना बहुत जरूरी होता है। अब मजेदार बात एक और है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड ऑफ इनिशियो नहीं होना चाहिए। वॉइड ऑफ इनिशियो का मतलब क्या होता है, मतलब शुरुआत से ही जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर है वो अपने आप में वैलिड है ही नहीं, बिगिनिंग से ही वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में कैसा है, वॉइड है, शून्य है। ऐसा किन किन सिचुएशन में हो सकता है, ऐसा जो है किन किन सिचुएशन में हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन कैंडिडेट से जिनको लगता है कि उनकी कॉन्ट्रैक्ट पर अच्छी कमांड है, जरा इस सवाल का आंसर देवें, इस सवाल का आंसर देवें, और मुझे ये बताओ कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, कोई भी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य उस कॉन्ट्रैक्ट का या उसका कंसिडरेशन, अच्छे से बताना, कोई गलती मत करना यहां पर, कंसिडरेशन अगर अनलॉफुल है तो वो वॉइड होता है, वो क्या होता है, वॉइड है जो होता है। ये कहां कहां दे रखा है, ऑप्शन ए 23 में, सेक्शन 23, ऑप्शन बी सेक्शन 24 के अंदर, ऑप्शन सी बोथ दोनों के अंदर दे रखा है, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्या होगा आपका आंसर यहां पर, ये बात कहां मेंशन कर रखी है, एक छोटा सा सवाल यहां पर आपसे पूछ रहा हूं मैं, रिप्लाई कीजिए मुझे कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट जो है या अनलॉफुल कंसिडरेशन जो है जब होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, अपने आप में एक तरीके से वॉइड है जो हो जाता है। ये वाली बात कहां लिखी हुई है, ये चीज जो है कहां पर मेंशन कर रखा है, आपके आंसर यहां पर देख पा रहा हूं मैं, कोई कैंडिडेट्स कह रहा है कि सर दोनों के अंदर है, कोई कह रहा है डी में है, कोई कह रहा है सिर्फ ए के अंदर है, ओके, किसी का आंसर है सिर्फ 24 होगा। यहां पर खुद को करेक्ट कर लो, यहां पर खुद को अच्छे से करेक्ट कर लीजिए, इसका आंसर जो है ना बेसिकली बोथ होगा, दोनों के अंदर मेंशन कर रखा है। अगर आप सेक्शन 23 का सेकंड पैराग्राफ देखोगे ना, वहां पर बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड, एग्रीमेंट जो है वो वॉइड एक तरीके से होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। और 24 कह रहा है कि जब सिंगल ऑब्जेक्ट हो तो कोई भी कंसिडरेशन, या सिंगल कंसिडरेशन हो और उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो वहां पर वो चीज क्या हो जाती है, वॉइड हो जाती है। 23 और 24 दोनों ही अनलॉफुलनेस के बारे में डील करता है, दोनों ही है जो जब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होते उस पॉइंट को डील करता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हम लोग एग्जाम में ये गलती करके आ जाएंगे, सिर्फ 23 या 24 के बारे में लिख के आ जाएंगे, दोनों एस्पेक्ट है यहां पर, दोनों एस्पेक्ट है जो यहां पर क्या होते हैं, डील जो है होते हैं, ध्यान रखना। बस इतना जरूर कहूंगा सेक्शन 24 में इस शब्द को, पार्ट, इसको स्पेशल अटेंशन जरूर देना, क्योंकि एक सिंगल कंसिडरेशन के लिए मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए एक से दो बार कंसिडरेशन का या पार्ट ऑफ पेमेंट कंसिडरेशन का जिक्र वहां पर आ सकता है, इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। तो जिनका भी आंसर गलत था वो खुद को अपडेट कर दे, खुद को जो है करेक्ट यहां पर जरूर कीजिएगा।
अगला हमारे पास पॉइंट आता है कि वॉइड ऑफ इनिशियो किसको कहा जाएगा। सेक्शन 24 से लेकर 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये सारे एग्रीमेंट जो अपने आप में क्या कहलाते हैं, वॉइड ऑफ इनिशियो, मतलब शुरुआत से ही वो क्या होते हैं, वॉइड जो है होते हैं। 24 की अगर बात करें तो जब कोई भी चीज़ अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन को लेके बैठे, खासकर पार्टली या फुली, तो वो अनलॉफुल हो जाती है। अगर आपने बिना कंसिडरेशन, विदाउट प्रतिफल, विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई एग्रीमेंट किया है तो वो क्या हो जाता है, अपने आप में वॉइड ऑफ इनिशियो कहलाता है। अगर आपने इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, मैरिज के रेस्ट्रेंट में, विवाह के रेस्ट्रेंट के अंदर इस तरीके से कोई रुकावट डाली है तो वो अपने आप में क्या कहलाएगा, वो एक तरीके से वॉइड कहलाएगा। अगर आपने किसी ट्रेड के अंदर, व्यापार में रुकावट डाली है तो यहाँ पर जो है वो वॉइड कहलाएगा। अगर कोई लीगल या लॉफुल प्रोसीडिंग है, अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग है और आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो कि लीगल प्रोसीडिंग के अंदर बाधा पहुंचे, विघ्न पहुंचे, या फिर अगर आपने जो एग्रीमेंट किया है उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, तो वहां पर, और थर्ड के अंदर शदम जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि जो वैगरिंग एग्रीमेंट होते हैं, तो जो वेगर एग्रीमेंट होता है वो अपने आप में क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। ये सारी बातें जो क्या करती हैं, एग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो बनाती है, मतलब शुरुआत से क्या बनाती हैं, इनिशियल्स को वॉइड है जो बना देती है। हालांकि इन सब के अपने आप में एक्सेप्शन होता है, कैसे, देखिए जहां पर बात की जाए ट्रेड का, तो अगर आप गुडविल का एग्रीमेंट करते हो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए गुडविल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा गया कि कुछ पर्टिकुलर टाइम तक आपको ये व्यापार नहीं करना है, तो वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी बात, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर रुकावट डालना वॉइड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या हो सकता है, जैसे सपोज करूं अगर आप किसी मामले को आर्बिट्रेशन में भेजना चाहते हो और इसके कारण आप पहले कोर्ट नहीं जा सकते, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि जब भी ब्रीच होगा तो आर्बिट्रेशन के पास जाना होगा, आप आर्बिट्रेशन के पास में चले गए, तो सिर्फ इसीलिए जो आपको कोर्ट को अप्रोच करने का राइट जो है वो एक बार प्राइमा फेसा कम हो रहा है, फिर भी ये वॉइड है जो नहीं होगा। मैरिज के केस में अगर आप माइनर व्यक्ति की बाल विवाह को रुकवा रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाल विवाह को रुकवा दो, कोई प्रॉब्लम जो है नहीं है। अनसर्टेनिटी के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। वेगर के केस में एक एक्सेप्शन यहाँ पर हो सकता है कि जैसे मान लीजिए जो हॉर्स रेस होती है, कौन सी हॉर्स रेस जो है, उसके अंदर 500 से ज़्यादा का, 500 या उससे ज़्यादा का अगर कोई इनाम वगैरह दिया जाता है तो उसको उन्होंने माफ़ कर रखा है, ठीक है, लेकिन इसका कोई भी प्रभाव इंडियन पीनल कोड के उस सेक्शन पर जहां पर कीपिंग लॉटरी ऑफिस का पॉइंट दे रखा है उस पर नहीं पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर इसके साथ में कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती हैं। ये तो क्या थे, वॉइड वाले पॉइंट थे, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ते हैं तो हमारे सामने कुछ सेक्शन और आएंगे, जैसे कि सेक्शन 36, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो किसी न किसी वॉइड इवेंट पर डिपेंड करता है, वो भी एक तरीके से क्या है, वॉइड है, ठीक है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड पर हूँ। सेक्शन 20 अभी हमने पढ़ा, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, वो भी अपने आप में क्या होता है, वॉइड के अंदर चला जाता है। सेक्शन 56 सब्सिक्वेंट, हालांकि 56 में इनिशियल नहीं होता है, 56 के अंदर, भविष्य के अंदर ऐसी कोई चीज आएगी तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, एक तरीके से वॉइड है जो बन जाता है। सब्सिक्वेंट इसको क्या कहा जा सकता है, इम्पॉसिबिलिटी है जो कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले पॉइंट भी, ये सेक्शन भी आपको कहेंगे इसके साथ में क्या होता है, कनेक्ट है जो करने पड़ते हैं, लिंक जो है करने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब पीछे बचा हमारे पास में, वापस मैं उस फॉर्मूला पे आ सकता हूँ। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था कि सेक्शन 10 = 11 + 14 + 23 + not void ab initio, नॉट void ab initio यानी कि 24 से लेकर 30 वाला पॉइंट, सेक्शन 36 वाला पॉइंट, सेक्शन 20 वाला पॉइंट, सेक्शन 56 वाला पॉइंट, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ये डिसाइड कराती है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होगा। अब देखिए कुछ पॉइंट जो हैं हमारे जो पेंडिंग रहे उन पर अपन लोग एक बार डिस्कशन वापस कर लेते हैं। शुरुआत के जो पॉइंट थे, शुरुआत के अंदर हमारे सामने जो सेक्शन 3 से लेकर 9 तक के प्रोविजन है जो दे रखे हैं, कहाँ से कहाँ तक, सेक्शन 3 से लेकर 9 तक, जरा उनके बारे में आपको साथ में शॉर्ट में कुछ डिस्कस करूँ। तो देखो सिंपल सी बात है, सेक्शन 3 जो है ना वो कुछ शब्दों को एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि ये जो टर्मिनोलॉजी है, प्रपोजल यानी कि प्रस्ताव, और एक्सेप्टेंस यानी कि एक तरीके से स्वीकृति यानी प्रतिग्रहण, ठीक है, इनको किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, किस तरीके से, मतलब किनका कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके बारे में है जो बात करता है, ठीक। कम्युनिकेशन इन चीज़ों का कब कंप्लीट होगा, वैन कंप्लीट, इसको एक्सप्लेन करने का काम जो है कौन करता है, आपके सेक्शन 4 है जो करता है, और बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो ये व्यक्ति है जो ऑफर दे रहा है,
ये व्यक्ति क्या करता है, ऑफर दे रहा है किसको, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को इसने ऑफर दिया। तो अब इसका कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, इसने जो किया है उसको बोला जाता है प्रपोजल, क्या बोलेंगे इसको, इसने अपना प्रपोजल भेजा है। तो प्रपोजल कब कंप्लीट होगा, तो सीधा सा फंडा है, प्रपोजल तब कंप्लीट होगा जब ये प्रपोजल जो है एक तरीके से उस व्यक्ति के पास में पहुंच जाएगा। उस व्यक्ति के पास में पहुंचा ही नहीं है तो प्रपोजल कंप्लीट नहीं होगा। फिर वो व्यक्ति क्या करेगा, अपनी तरफ से वापस एक्सेप्टेंस को भेजेगा, क्या करेगा, एक्सेप्टेंस को भेजेगा। अब एक्सेप्टेंस जो है ना वो इस ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाती है और इस एक्सेप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखी जाती है। तो एक्सेप्टेंस ऑफरर के पॉइंट ऑफ व्यू से कब कंप्लीट होती है, तो वो कंप्लीट होगी जैसे ही इसने ट्रांसमिशन के अंदर, जैसे मान लो एक पत्र लिख के स्पीड पोस्ट करा दी, एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, या फिर सॉरी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होगी, तो जब ये रिसीव होगी सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति के पास पहुंचेगी तब वो है जो रिसीव होगी। ये बात सेक्शन 4 में कही हुई है। अब देखो कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति जो है प्रपोजल दे देता है और बाद में वो उस प्रपोजल को रिवोक करना चाहता है, बाद में उस प्रपोजल को क्या करना चाहता है, रिवोक है जो करना चाहता है, ठीक है। तो अब प्रपोजल एक्सेप्टेंस कैसे हो सकती है, एक्ट और ओमिशन के माध्यम से हो सकती है। मतलब आप या तो अपने एक्ट से उसको करो या फिर अपने ओमिशन के माध्यम से भी वो चीज़ जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर हमें चीज़ों को बेसिकली समझना है कि एक्ट और ओमिशन से ऐसा हो सकता है, प्रपोजल वगैरह कम्युनिकेशन का इस तरीके से कैसे कंप्लीट होगा, उसके बाद रिवोकेशन का मामला जो है वो कैसे सेट आउट होगा। ये सारे पॉइंट जो है ना, मतलब कम्युनिकेशन और रिवोकेशन किसका, प्रपोजल का, एक्सेप्टेंस का, ये सारी बातें कहाँ पर आ जाएगी, ये सारी बातें जो हैं आपको मिलेगी सेक्शन 3 से लेकर 9 तक के प्रोविज़न के अंदर, ठीक है। 5 की अगर बात करूँ तो जब आप रिवोकेशन करवाना चाहते हो तो रिवोकेशन किस तरीके से होगा, रिवोकेशन किस तरीके से होगा, ठीक है। मैं वापस कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ का प्रपोजल या कम्युनिकेशन एक्ट से भी हो सकता है, और अगर आप एक्ट नहीं कर रहे हो, जैसे कहा गया कि जिस व्यक्ति को मेरा प्रपोजल स्वीकार है वो चुपचाप बैठा रहे, कोई हाथ खड़ा नहीं करे, तो आप कुछ नहीं कर रहे हो इसलिए आपका जो प्रपोजल है वो एक तरीके से एक्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है। रिवोकेशन का पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, रिवोकेशन का पॉइंट आपके एक तरीके से सेक्शन 5 के अंदर जो कवर वहाँ पर हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ बिंदु हमारे सामने ऐसे भी आते हैं, कुछ पॉइंट जो है हमारे सामने ऐसे भी आते हैं जो ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो अपने आप में हमें ये बताते हैं कि जब आप इस तरीके से प्रपोजल करते हो, जब आप इस तरीके से इन चीज़ों को डील जो है करते हो, तो वहाँ पर रिवोकेशन कैसे होना है। 5 और 6, ये जो 5 है इसको 6 के साथ जरूर कनेक्ट करना, रिवोकेशन कम्युनिकेट करना और रिवोकेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है। 5 और 6, रिवोक करने का मतलब आपने जो भेजा है उसको आप क्या करना चाहते हो, कैंसिल जो है करना चाहते हो, तो वो पॉइंट आपके यहाँ पर आ जाएगा। सेक्शन 7 कहता है कि जो एक्सेप्टेंस है वो हमेशा एब्सोल्यूट होनी चाहिए। तो 6 के अंदर क्या आ जाएगा, हाउ रिवॉक, कैसे है जो रिवॉक करोगे वो इस पॉइंट के अंदर आपके कवर होगा। देन आफ्टर अगर 7 की बात करें तो जो एक्सेप्टेंस है, 7 क्या कह रहा है कि जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए। आप कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते कि तुम अगर ऐसा करोगे तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए, विनिर्दिष्ट यानी कि एब्सोल्यूट जो है होनी चाहिए। देन आफ्टर हमारे सामने जो पॉइंट आता है वो आता है सेक्शन 8 का, वो क्या कहता है कि एक्सेप्टेंस आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। मान लीजिए आप कुछ कंडीशन प्रिफर करवा के भी या फिर कोई रिलेवेंट कंसिडरेशन करके भी आप अपनी क्या कर सकते हो, एक्सेप्टेंस जो है परफॉर्म करा सकते हो। तो 7 के साथ में पढ़ा जाता है किसको, 8 को। देखो दो दो सेक्शन का अगर आप नोटिस कर रहे हो तो एक तरीके से जोड़ा बन रहा है, कपल बन रहा है, इन सेक्शन को आपको साथ साथ में पढ़ना चाहिए, ओके। उसके बाद में अगर मैं सेक्शन 9 की यहाँ पर बात करूँ तो जो भी प्रॉमिस होगा वो एक्सप्रेस हो सकता है या इम्प्लाइड हो सकता है, दो शब्द हैं, अभिव्यक्त हो सकता है या विविक्षित हो सकता है। प्रॉमिस आप जब करते हो तो वो क्या हो सकता है, या तो आपने एकदम अच्छे तरीके से कहा कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए, और या फिर आपने क्या कहा उसको अपने कंडक्ट से, अपने कैरेक्टर से जो है उसको इम्प्लाइड करवाया। तो सेक्शन 9 है सिंपली हमें कहता है कि जो प्रॉमिस है वो क्या हो सकता है, एक्सप्रेस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। देखो एक्सप्रेस कहकर स्पष्ट करके बात कह देना, ओके, इम्प्लाइड कहना नहीं है लेकिन आपका कंडक्ट इस तरीके से है कि सामने वाला ये मान लेता है कि यहां पर ये व्यक्ति ये वाली चीज जो है कहना चाहता है। फटाफट मेरे साथ रिकॉल कीजिए, देखो
सेक्शन 3 सिंपली कहता है कि किसी भी चीज को कम्युनिकेट अगर आप करना चाहते हो, कम्युनिकेट करने का मतलब सामने वाले को संसूचित करना, तो आप अपने एक्ट से भी ऐसा कर सकते हो, आप अपने ओमिशन से, ओमिशन करने का मतलब नहीं करना, लोप कर देना, वहां पे भी कर सकते हो। सेक्शन 4 कहता है कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, किनका, इस प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस वगैरह का, सेक्शन 4 के अंदर। 5 सेक्शन 5 भी कहता है कि रिवोकेशन कब होगा, रिवोकेशन जो है वो कब किया जा सकता है, यानी कि प्रतिसंहरण जो है कब किया जा सकता है, सेक्शन 5 में। सेक्शन 6 हमें बताता है कि रिवोकेशन आप कैसे कर सकते हो, आपके सामने अलग अलग तरीके हैं कि रिवोकेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है, वो वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। सेक्शन 7 के अंदर अगर बात करें तो जो भी एक्सेप्टेंस होती है वो अपने आप में एब्सोल्यूट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। सेक्शन 8 कहता है कि आप अपनी एक्सेप्टेंस कुछ कंडीशन को परफॉर्म करके भी दे सकते हो, कुछ कंडीशन को परफॉर्म करके भी दे सकते हो। मैंने किसी व्यक्ति से कहा कि अगर तुम मेरे ट्रेनर बनना चाहते हो तो तुम्हें इस स्विमिंग पूल के अंदर 10 राउंड है जो लगाने पड़ेंगे स्विमिंग के, और उसने बिना कुछ कहे उस कंडीशन को फॉलो करना शुरू कर दिया, इसका मतलब उसने अपनी एक्सेप्टेंस है जो दे दी। और सेक्शन 9 सिंपली कह रहा है कि जो भी वचन दिया जाएगा, जो भी प्रॉमिस दिया जाएगा, वो एक तरीके से एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। ये सारी बातें यहां पर हमारे सामने आती है। जरा एक बार के लिए फटाफट हम लोग सेक्शन 1 से लगाकर 30 तक को फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। तैयार हो, एनर्जी के साथ में जुड़ जाइए और मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और दिमाग के अंदर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो, हम लोगों ने एक चीज को पढ़ा है कि अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जनरल प्रिंसिपल को समझना चाहते हो तो आपको शुरुआत के 30 सेक्शन तो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने ही करने हैं, और शुरुआत के 30 सेक्शन, शुरुआत के जो 30 सेक्शन है, ये बेसिकली प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे आगे वाले सेक्शन का भी। सबसे पहले सेक्शन 1 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बेसिक चीज दे रखी है कि 1 सितंबर को एक कानून लागू हुआ था, पूरे इंडिया, होल इंडिया के अंदर कानून जो है एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 2 ने क्या कर रखा है, कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्म्स को डिफाइन कर रखा है, जैसे कि प्रपोजल क्या होता है, जैसे कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, जैसे कि प्रॉमिस क्या होता है। साथ साथ में इसमें यह भी मेंशन कर रखा है कि आप जब किसी चीज को वॉइड एग्रीमेंट कहते हो तो उसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट का मतलब वहां पर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वहां पर क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रखा है सेक्शन 2 के अंदर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सेक्शन 2 जो है, नोट इट डाउन, सेक्शन 2 जो है वो सिर्फ ऐसी डेफिनेशन बताता है जो पूरे बेयर एक्ट में लागू हो रही है, लेकिन आपको कई अलग अलग जगहों पर कुछ स्पेशल डेफिनेशन भी मिलेगी। जैसे सेक्शन 15 में कोर्जन का डेफिनेशन मिल रहा है, जैसे सेक्शन 16 में अंडू इन्फ्लुएंस का डेफिनेशन मिल रहा है, सेक्शन 17 में फ्रॉड का डेफिनेशन मिल रहा है, सेक्शन 18 में आपको मिस रिप्रेजेंटेशन का डेफिनेशन मिल रहा है। तो इस तरीके से सेक्शन 2 को उन सभी सेक्शन के साथ में लिंक करना चाहिए जो अलग अलग चीजों को एक्सप्लेन करने का काम है जो करते हैं, ठीक है। सेक्शन 3 हमने फटाफट बात किया क्या होता है, एक्सेप्टेंस और जो हमारे प्रपोजल होता है उसको एक्ट या ओमिशन से आप ऐसा कर सकते हो। सेक्शन 4 के अंदर कभी इनका कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, सेक्शन 5 के अंदर रिवोकेशन जो है वो किस तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, और सेक्शन उसी के बाद में नेक्स्ट सेक्शन 6 हमारा 6 आ जाएगा, वो कहता है रिवोकेशन कैसे, हाउ रिवोक करो, कौन कौन से मैनर है रिवोकेशन के। सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। सेक्शन 8 कह रहा है कि आप कुछ कंडीशन को परफॉर्म करके भी अपनी एक्सेप्टेंस दे सकते हो। सेक्शन 9 कहता है कि प्रॉमिस जो होता है वो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड दोनों तरीके का हो सकता है। सेक्शन 10 ने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ इंग्रेडिएंट बताए, जिन इंग्रेडिएंट को हमने अलग अलग भागों में क्लासिफाई है जो किया है। सेक्शन 11 कहता है कि जो व्यक्ति कैपेबल है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट है जो कर सकता है। कैपेबल का मतलब 3 चीजें, मेजर होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, किसी भी लॉ के अंदर डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। साउंड व्यक्ति कौन होता है, सेक्शन 12 जो है वो आइडेंटिफाई करता है, वहां पर फाइंड करता है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट को, 15 कोर्जन, 16 जो है अंडू इन्फ्लुएंस, 17 जो है फ्रॉड, 18 जो है आपके मिस रिप्रेजेंटेशन, 19 कहता है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन के कारण या फिर कोर्जन के कारण है तो वॉइडेबल होगा। सेक्शन 19A ये कहता है कि अंडू इन्फ्लुएंस के कारण अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वो अपने आप वॉइडेबल हो जाएगा। सेक्शन 20 के अंदर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में जिक्र कर रखा है। सेक्शन 21 के अंदर लॉ की मिस्टेक के बारे में एक्सप्लेनेशन आ रखी है। सेक्शन 22 के अंदर जो है यूनिलैटरल, एक तरफा तथ्यों की भूल यानी कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात हो रखी है। 23 हमें बताता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल होंगे, अनलॉफुल होंगे। ओके, वहां पर 5 अलग अलग कैटेगरी आपको मिलेगी जो एक्सप्लेन करती है कि यहां पर ये वाला एग्रीमेंट जो है विद लॉफुल कंसीडरेशन के साथ हुआ है नहीं हुआ है। और इस साथ साथ ये भी बात करता है कि इस किसी सिचुएशन के अंदर अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है या कंसीडरेशन है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। उसके बाद सेक्शन 24 के अंदर
अनलॉफुल चीज़ें अगर पार्टली भी हैं तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाए, एक तरीके से अवॉइड होता है। 25 में बिना कंसिडरेशन के, 26 में रेस्टेंट ऑफ मैरिज, 27 के अंदर रेस्टेंट ऑफ ट्रेड, सेक्शन 28 में रेस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सेक्शन 29 में अनसर्टनिटी के कारण, और सेक्शन 30 में वैगरिंग यानी कि सदम संविधान, सदम एग्रीमेंट जो होते हैं वो अवॉइड होते हैं। ये सारी बातें सेक्शन 1 से लगाकर 30 तक हमारे सामने। क्या यहां तक सेक्शन 1 से लेकर 30 तक का मामला आप लोगों को क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, यस और नो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो मुझे। सेक्शन 1 से लेकर 30 तक, यहां तक के सारे एस्पेक्ट क्लियर है? फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं और उन चीजों को भी समझने की क्या करते हैं, कोशिश जो है वो करते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब देखो अगला बिंदु जो हमारे पास में आएगा वो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। देखो अगर आपका कोई भी डाउट बेरेट के स्पेसिफिक चीज को लेकर है तो ध्यान रखना, यहाँ पर अपन लोग एक रिविजन क्लास को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को पहले अच्छे से पढ़ रखा है कहीं कि उनके लिए क्लास ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है या फिर अनटच रखा है तो उनको एक बार डिटेल डिस्कशन तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद उसका रिविजन जो है अपने आप में अलग तरीके से भी होगा। कुछ बातें मैं आपको अनअकैडमी के जुडिशियल सेगमेंट वाले कोर्स के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि 28th, ये तारीख आप माइंड में नोट कर लीजिएगा, 28th से अपन लोग स्पेसिफिकली डील करने वाले हैं रेगुलर बैच के अंदर, जहाँ पर पूरी टीम, सिर्फ तनसुख पालीवाल ही नहीं, तनसुख पालीवाल के साथ में एक टीम भी होगी जो आपको जुडिशियल कोर्सेज को अच्छे से डील करवाने वाली है। जुडिशरी लिंकिंग बैच, ये हमारे बैच का नाम रहेगा, ध्यान रखना, जुडिशरी लिंकिंग बैच। इस बैच को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ 28 जुलाई को, 20th इसी महीने की 28 जुलाई को बैच जो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि आप इस लिंकिंग टेक्निक से, इस तरीके से रैपिड रिवीजन के बेनिफिट को और अच्छे से एनकैश करो, देन यू कैन गो अहेड फॉर दैट, ओके। और साथ ही साथ में अगर आपको अनअकैडमी के बारे में नहीं पता है या आप नहीं जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाके आप गूगल प्ले स्टोर पर सिंपली टाइप कर देना अनअकैडमी लर्निंग ऐप, आपके सामने आ जाएगा, वहाँ पर जुडिशरी कोर्स सेगमेंट डील करोगे तो अपना वाला कोर्स आपको दिख जाएगा। प्लस कोर्स के कई सारे बेनिफिट भी होते हैं, प्लस कोर्सेज बोले तो P4 Plus, P4 Paid Courses, ओके। आप इस बात को अन्यथा बिल्कुल मत लाएंगे, सर आप इस चीज को लेकर थोड़ा ज्यादा प्रमोशन नहीं कर रहे हो, बात प्रमोशन का नहीं है। जंगल में नाचा मोर किसने देखा, मुझे बताओ, अगर मोर के अंदर टैलेंट भी है और वो जंगल के अंदर नाच रहा है तो क्या शहर के लोग उसके बारे में जान पाएंगे? ठीक, इसीलिए जीवन के अंदर जानकारी भी जरूरी होती है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूँ इस तरीके से है, अगर आपका मन कहता है कि हाँ आपको इस तरीके से खुद को परफेक्शन की ओर लेके जाना चाहिए, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, ये जो लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट वगैरह, स्टडी प्लान, स्ट्रक्चर कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस हैं किसी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह का, इनको ऑब्जर्व है जो कर सकते हो अच्छे तरीके से। और सबसे अहम बात, कल जो है आपके 18 जुलाई को कौन सा है, अनअकैडमी जुडिशियल स्कॉलरशिप टेस्ट है। आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको देना चाहिए, इसका रजिस्ट्रेशन करवा के टेस्ट को अटेंड करना चाहिए, मॉर्निंग 11 से लेकर 12 तक है। अरे क्या होगा, टेस्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, कम स्कोर आएगा ना, लेकिन इसी से आपकी योग्यता का एक मापदंड जो है वो तय होता है, इसलिए ये चीज़ करनी चाहिए। ये जो टेस्ट है वो अपने आप में क्या है, कम्प्लीटली फ्री है, कोई इसका कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन जो रिवॉर्ड है वो आपको बहुत अच्छा वाला मिल सकता है इसके अंदर, यहाँ तक इसके अंदर लैपटॉप का भी रिवॉर्ड, आईफोन का भी रिवॉर्ड है, जो एयरपोर्ट होते हैं उसके भी रिवॉर्ड्स वगैरह हैं जो मेंशन कर रखे हैं। अब रही बात इसके अंदर जुडिशियल सेगमेंट के कोर्सेज की फी की, तो मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं, मंथली सब्सक्रिप्शन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सब्सक्रिप्शन इसके अंदर लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए आप सपोज करो आपने साल भर का सब्सक्रिप्शन लिया, क्योंकि जनरली एक कोर्सेज को अच्छे से डील करना, रिवीजन करने के लिए साल भर का एक टाइम पीरियड होता है, तो वहां पर आप इसको 34375 जिसमें से आप 10% और लेस करा सकते हैं अगर आप यहाँ पर ये वाला कोड इस्तेमाल करते हैं, तो कौन सा वाला, लिंकिंग, ILINKING लिंकिंग 10, इसको इस्तेमाल करोगे तो कहीं के ये जो चीज़ है आपके 10% और रिड्यूस हो जाएगा, और प्रोबेबली 30K के अप्रोक्सली, 30,000 के आसपास आपका ये एनुअल सब्सक्रिप्शन जो है वो पड़ेगा, ओके। इसमें सब कुछ शामिल है, ई नोट्स का भी शामिल रहेगा, पीडीएफ वगैरह जो है वो भी, क्लास पीडीएफ वो भी शामिल रहेगा, टेस्ट वगैरह वो भी शामिल रहेगा, और अगले एक साल में जितने भी बैच स्टार्ट होंगे, ध्यान से सुनना, अगले एक साल में जितने भी बैच स्टार्ट होंगे सबका एक्सेस आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो है ले सकते हो। नाउ अब देखिए हमें क्या करना है, हमें डील करना है सेक्शन 30 के बाद में सेक्शन 11 के पॉइंट को, सेक्शन 31 के पॉइंट को। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रखा होता है, जब आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉलेट्रल इवेंट पर है जो डिपेंड करता है, वहाँ पर उस सिचुएशन में क्या होगा,
समझने की कोशिश करना। बाकी जो अगर आपके कुछ क्वेरी है तो क्लास के एंड में अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक बार पूरा अटेंशन जोड़ दो खुद को और बस इतनी बात मस्तिष्क में ध्यान रखना कि जीवन पथ पर, पथ यानी कि रास्ता, जीवन पथ पर उसी इंसान ने एक अलग मुकाम बनाया है जिसने ऐसा करने का सोचा है, जिसने ऐसा करने का सोचा है। और अगर आप लॉ के फील्ड में ये सपना देख के बैठे हो ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, जुडिशरी और लॉ का फील्ड बहुत ही डिग्निफाइड है और इनफैक्ट इनसे जुड़े हुए सारे पोस्ट जो हैं बहुत ही डिग्निफाइड होते हैं। अरे छूले आसमान को जमीन की तलाश ना कर, अगर ये चीज़ आपके इस दिल तक पहुँचे तो मुझे कमेंट बॉक्स में वापस रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जीले जिंदगी, जीले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही अपने आप में, तकदीर बदल जाएगी खुद ही अपने आप में। तकदीर यानी कि डेस्टिनी, आपकी किस्मत, किस्मत खुद ही बदल जाएगी अपने आप में। मुस्कुराना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। तो यहाँ पर अभी मुस्कुराते हुए इस चीज़ को अटेंड करना अच्छे से। देखिए हमारे पास में नेक्स्ट जो सेगमेंट आता है वो सेगमेंट आता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। किसका? कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कॉलेट्रल इवेंट पर डिपेंड होने वाली चीज़ें हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बेसिकली शुरुआत के अंदर इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। इसको कहा जाता है श्रम आश्रित संविधाएं। क्या बोलते हैं इसको? सम आश्रित, मतलब ये निर्भर करती हैं किसी अन्य इवेंट पर। सम आश्रित संविधाएं जो हैं वो इस सेगमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सेक्शन 31 को अगर आप पढ़ेंगे तो वो उसको डिफाइन करता है। सेक्शन 31 जो है डिफाइन करता है यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसकी एक तरीके से परफॉर्मेंस किसी इवेंट के होने या नहीं होने, क्वालिटल इवेंट पर निर्भर करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है एक तरीके से कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी अपने आप में अलग अलग, जैसे मान लीजिए कुछ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो किसी इवेंट के हैपनिंग होने पर होते हैं, किसी इवेंट के हैपनिंग होने पर होते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो इवेंट के नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करते हैं, इवेंट के नॉन हैपनिंग पर, यानी कि ये घटना अगर असंभव हो जाए तो। सपोज करो एक व्यक्ति कहता है कि अगर मिस बी एक लड़की है, कि अगर मिस बी ए से शादी करेगी तो मैं ए को 50,000 रुपये दूंगा। ठीक है, मिस बी जो है वो सी के साथ विवाह के बंधन में बंध गई, सी ज़्यादा पसंद आया, सी का प्रपोजल अच्छा होगा, उसने कर्न कर दिया, ए बेचारा बैठा रह गया। हिंदी मूवीज़ में होता है ना ऐसा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जब मिस बी सी से शादी कर चुकी हैं तो एक तरीके से ए के साथ तो उसका मामला खराब हो चुका है ना। अब तो ए के साथ शादी नहीं कर सकती, वो दो शादियां अलाउ नहीं हिंदू धर्म के अंदर। अब आपका मस्तिष्क ये कहता है कि नहीं सर, हम तो तलाक करा देंगे, तो ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए। कोई बेचारे शादी के बंधन में बंध गए हैं तो उनको माफ़ कर दो, अब छोड़ दो उनको, उनको जीने दो अपनी ज़िंदगी, है ना। हमेशा कभी कभार दिल जो है वो आपके दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी के शाहरुख खान की तरह, सॉरी अमरीश पुरी की तरह, रखो कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, चली जा सी के पास, मैं जी लूँगा अकेला तन्हाई के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब जब इवेंट नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करे तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि वो चीज़, वो इवेंट जब एक तरीके से क्या हो जाएगी, एक तरीके से असंभव हो जाएगी, तब वो जो एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, अगर इवेंट किसी पर्सन के, लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर निर्भर करे तो वो 34 में कवर करता है। लिविंग पर्सन का जो कंडक्ट है वो 34 के अंदर आपके मामला डील है जो किया जा सकता उस पर निर्भर करता है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी जिक्र किया था सेक्शन 36 का, तो जिस तरीके से सेक्शन 36 में ये वाला पॉइंट आपके सामने आया था कि इम्पॉसिबिलिटी पर अगर इवेंट डिपेंड करती है तो, ठीक उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जब कोई भी कॉन्टिजेंसी है वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर परफॉर्म करनी हो और टाइम निकल जाए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर। यानी कि अब यहाँ पर एक पॉइंट और आता है जो ये कहता है 31, 32, 33, 34 के बाद में 35 हमारे सामने आएगा कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, ये दोनों एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए, एक टाइम लिमिट के अंदर होना चाहिए। मतलब कहा उसने कि अगर मिस बी 2 साल के अंदर ए से शादी करे तो मैं ए को 50,000 रुपये दूंगा। अब 2 साल निकल गए, मिस बी अभी तक कुंवारी बैठी है, उसने तो शादी वादी की नहीं किसी से भी, तो भी यहाँ पर वो कॉन्टिजेंट इवेंट एक तरीके से खत्म होगी, उसको परफॉर्मेबल करवाना हो जाएगा तय यहाँ पर।
ठीक है। और 36 जैसा कि अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबिलिटी वाला सीन यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और ये तो सिंपली कहता है अगर आपकी कॉन्टीजेंसी किस पर डिपेंड करती हो, वो डिपेंड करती हो इम्पॉसिबिलिटी पे, तो वॉइड होगा। जब तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाओगे तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगी या करूंगा, इम्पॉसिबिलिटी है। अरे चांद तारे दूर से दिखने में छोटे छोटे दिखते हैं, जब पास में जाओगे पता चलेगा कि हम उनके सामने चींटियां लग रहे हैं, चिट्ठी भी नहीं दिखोगे इस तरीके से, तो कहाँ से तोड़ के लाएंगे उनको, संभव ही नहीं है चीज़ें। तो ठीक है, मूवी के अंदर चलने दो इसको, यानी कि अगर इम्पॉसिबिलिटी वाली कोई बात होती है तो। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब पहाड़ तोड़ने वाला कोई सीन आ जाए तो कोई दशरथ मांझी बन के आ जाए, वो कहता है हाँ मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, लेकिन वो भी अपने आप में एक तरीके से एक अलग टाइप का जो है सिचुएशन बनता है। तो ये 6 सेक्शन है, 31 डिफाइन करने का काम करता है, 32 कहता है जब इवेंट हैपन होगी तब उसको परफॉर्म किया जाएगा, 33 कहता है जब इवेंट नॉन हैपन होगी या अपने आप में वो इम्पॉसिबल हो जाएगी तब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो करना होगा, उसके बाद में लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर अगर कोई चीज़ डिपेंड कर रही है तो 34 में, हैपनिंग नॉन हैपनिंग अगर टाइम लिमिट के अंदर बंधी हुई है तो 35 में, अदरवाइज 36 जो है इस बारे में डील करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब अगला जो पार्ट है वो बड़ा रिलेवेंट है। नेक्स्ट जो सेक्शन आप लोग समझने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली हैं, और इनफैक्ट जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के अंदर जो है आपके सेगमेंट रिलेवेंट होता है, कौन सा, यूनियन और स्टेट वाला, ठीक उसी तरीके से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है, यानी कि चैप्टर 4 जो है वो बड़ा रिलेवेंट है। देखिए अब एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन चीजों को चलाएंगे। चैप्टर फोर किस बारे में बात करता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है जो बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से परफॉर्म होगा। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, अच्छे से सुनना मेरी बात को और साथ साथ इस डायग्राम में लिखे हुए मैसेज को भी। आप लोगों ने कई बार कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है, मैं ये जानता हूं, आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छी जानकारी है ये भी मैं जानता हूं, लेकिन मेरा सा सबमिशन, मेरा जो रिक्वेस्ट आप लोगों से सिर्फ इतना है कि अगर आपने अगले 5 मिनट तक पूरा अटेंशन इस बोर्ड के ऊपर रखा तो परफॉर्मेंस वाला जो सबसे लेंथी पार्ट है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सबसे लेंथी पार्ट कौन सा है आपके परफॉर्मेंस का, सेक्शन 37 से लेकर 67 तक, तकरीबन 30 सेक्शन जो है वो इस पार्ट में क्या करते हैं, डील जो है वो करते हैं। ओके, तो यहां पर परफॉर्मेंस इसको आप 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। पहला जो पार्ट रहता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करना जरूरी है, यानी कि नीड टू बी परफॉर्म, जिनको परफॉर्म करना जरूरी है, ये पहला एस्पेक्ट यहां पर बन जाता है। दूसरा एस्पेक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत जो है वो नहीं है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि नीड नॉट टू बी परफॉर्म, जिनको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट के इस सेगमेंट को डील करूं आप इसको 2 भागों के अंदर डिवाइड कर दीजिए, नीड टू बी परफॉर्म एंड नीड नॉट टू बी परफॉर्म, ठीक है। पहला एस्पेक्ट ध्यान रखना, नीड नॉट टू बी परफॉर्म वाले पार्ट आपको कहां दे रखे हैं, वो पार्ट आपको स्पेशली दे रखे हैं सेक्शन 62 से लेकर 67 तक। सेक्शन 62 से लेकर अगर आप सेक्शन 67 तक की बातों को पढ़ेंगे तो वहां पर आपको कहीं कहीं ऐसे सेगमेंट मिलेंगे जहां पर कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करने के बारे में बात की हुई है। जैसे उदाहरण के लिए सपोज करो हम सबसे पहले वो पढ़ रहे हैं नेगेटिव वे, एक नकारात्मक तरीका अपना रहा हूं मैं यहां पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस वाले पार्ट को पढ़ने के लिए, पहले हम उन प्रोविजन को जाकर देखते हैं जहां पर यह लिखा हुआ है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत आपको नहीं है, नीड नॉट टू बी परफॉर्म। आइए जरा मैं एग्जाम्पल के साथ में बताता हूं आपको। सपोज करो कि आपने उस कॉन्ट्रैक्ट का एक तरीके से नोवेशन कर दिया, नोवेशन का मतलब क्या है, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट की जगह नया कॉन्ट्रैक्ट आप लेकर आ गए हो, या फिर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट का रेसेशन कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से क्या कर दिया, ख़त्म है जो कर दिया है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में आपने किसी तरह का अल्ट्रेशन है जो कर दिया है। तो जब भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में अल्ट्रेशन यानी कि चेंजेज कर देते तो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, जो चेंजेज होने के बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट है वो परफॉर्म करने की आवश्यकता होती है। पहले ऑर्डर दिया कि 10 घी के डिब्बे सप्लाई कर देना, बाद में कहा नहीं नहीं 10 नहीं मेरे को 15 घी के डिब्बे जो है सप्लाई करना, तो चेंजेज हो गया, अल्टर हो गया, नया वाला परफॉर्म करना है, पुराना वाला परफॉर्म जो है नहीं करना है। तो 62 के अंदर ये सारी बातें हैं जो दे रखी हैं। अच्छा 63 में क्या आ जाएगा कि जो प्रॉमिसी जो है ना, देखो ये 2 शब्द याद रखना, प्रॉमिसर जो व्यक्ति प्रॉमिस करता है
कि हाँ मैं ये कर दूंगा, उसको प्रॉमिसर बोलते हैं, और जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसको प्रॉमिस ही बोलते हैं। एक होता है वचन दाता, एक होता है वचन ग्रहीता, ठीक है। प्रॉमिसर जो प्रॉमिस करता है, और प्रॉमिसी जिसको प्रॉमिस किया जाता है, ठीक है। अब प्रॉमिसी जो है वो परफॉर्मेंस लेने से डिस्पेंस कर दे, मना कर दे, डिस्पेंस कर दे, डिस्पेंस विद का मतलब एक तरीके से उन्मोचित करना कि सॉरी आई नीड नॉट योर परफॉर्मेंस। मैंने एक प्लम्बर से कॉन्टैक्ट किया कि तुझे शाम को 6 बजे आकर मेरे घर का ये वाला नल जो फिटिंग है उसको अच्छे तरीके से सेट करना है। उसने कहा ठीक है डन। मैंने कहा कितने पैसे लगेंगे, तो उसने कहा 800 रुपये लगेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है आ जाना। शाम को 7 बजे का मैंने उसको समय दिया, और उससे पहले ही जब वो आ रहा होता है उसने मुझको फ़ोन किया। मैंने कहा नहीं नहीं तेरे को नहीं आना है। आई हैव डिस्पेंस विथ हिज परफॉर्मेंस। वो तैयार था, बिल्कुल वो तैयार था। तो यहाँ पर अब वो बंदा जो प्लम्बर है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है। डिस्पेंस कर देना। 63 के तुरंत बाद आप पढ़िए 67 को। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रॉमिसी एक तरीके से नेगलेक्ट कर देता है। प्रॉमिसी जो है ना वो नेगलेक्ट कर देता है, लापरवाही कर देता है इस तरीके से। मान लीजिए उसको कुछ ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध करवानी चाहिए थी और उसको उपलब्ध करवाता ही नहीं है, है ना। प्लम्बर जो है नल फिटिंग के लिए सामान लाने के लिए उसने मुझे कहा था, मैं ले गई नहीं आया, मैंने नेग्लिजेंसी कर दी। तो यहाँ पर उसको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए बाउंड आप नहीं कर सकते। ये सिचुएशन भी आ जाता है। इसके अलावा अब अगर बात करें, अब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए कई बार कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रिसाइन होता है ना, तो वहाँ पर एक नेम अप्लाई होता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में इक्विटी करो। क्या करो? इक्विटी। इक्विटी का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई ऐसी चीज़ उस कॉन्ट्रैक्ट में ले रखी है तो उसको वापस रिटर्न कर दो। और ये कि ये बात आपके 65 में भी आती है, यहाँ पर भी क्या करना पड़ता है, इक्विटी है जो करना पड़ता है। जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, इक्विटी वॉइडेबल के केस में, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में इक्विटी करना, सम्यता करना 64, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में या वॉइड एग्रीमेंट के अंदर इक्विटी करना 65 में। सीधा सा फंडा है, नो ना किसी को लाभ ना किसी को हानि, नो अनड्यू प्रॉफिट नो अनड्यू लॉस। अब शुरुआत में आप में से किसी कैंडिडेट ने कहा था सर सेक्शन 65 को भी जोड़ दो। अब समझना, सेक्शन 65 में वॉइड शब्द लिखा हुआ तो है, लेकिन वो वॉइड शब्द किस रेफरेंस में, इसको जानने की कोशिश करो। वहाँ पर लिखा हुआ है किसी वॉइड एग्रीमेंट के अंदर आपने कोई बेनिफिट रिसीव कर दिया है तो लेट री स्टोर दैट बेनिफिट। उस बेनिफिट को क्या कर दो, रीस्टोर कर दो, ये बात लिखी हुई है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को आपने रिसाइन किया है तो आपको 64 के तहत उसको वापस रिटर्न करना चाहिए। वॉइड एग्रीमेंट में आपने कुछ रिसीव किया है तो 65 के तहत आपको इक्विटी करना चाहिए, उसको कुछ नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करनी चाहिए। जैसे कि प्लम्बर ने कहा कि आना है, मैंने मना कर दिया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइन कर दिया, तो प्लम्बर को मान लीजिए कोई नुकसान हुआ है तो मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, इक्विटी जो है करना पड़ेगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यहां पर क्या आ जाएगा, 66 सिंपली कहता है कि यहां पर जो ये रेसेशन आप करोगे ना, इसका कम्युनिकेशन कैसे करोगे, इसको कम्युनिकेट है जो आप कैसे करोगे। तो इसका कम्युनिकेशन ठीक वैसे ही होता है जैसे कि आप प्रपोजल को कम्युनिकेट करते हो। तो ये बातें आपको कहां पर दे रखी है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि ये लिस्ट सिर्फ इतनी नहीं है, इस लिस्ट में कुछ नाम और भी जुड़ सकते हैं। जैसे कि आप जाके पढ़ोगे किसको, सेक्शन 38-39 को, वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन उसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर बस इतना लिख लो, रीड विथ 38-39। उन सिचुएशन में भी क्या होता है, एक में प्रोमिसी जो है वो मना कर देता है, वो कहता है कि मुझे तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, 38 वाली बात आ जाए, या जहाँ पर प्रोमिसर ये मना कर दे कि मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, तो सामने वाला व्यक्ति भी क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है परफॉर्म नहीं करने के लिए। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नीड नॉट टू परफॉर्म का फंडा लागू होता है। ओके, चलिए याद रखना इस बात को। तो इस तरीके से हमारे सामने ये वाला सेगमेंट पहले आता है। इसके बाद, इसके अलावा आप जब ये वाला एस्पेक्ट पढ़ोगे, इसको 62 से लेकर 67 तक को आप भूल जाओ। बाकी की जो चीज़ें हैं, यानी कि आपके 37 से लेकर कहाँ तक, सेक्शन 61 तक, उन सेगमेंट में किस तरीके से चीज़ों को दे रखा है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलेगी, सबसे पहले किसके द्वारा, बाय वूम, नोटिस करते हुए चलना इस बात को, बाय वूम कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ से कहाँ तक, स्पेशली सेक्शन 40 से लेकर आपके 45 तक, 40 से लेकर 45 तक जो आपको प्रावधान मिलेंगे वो इस बारे में बात है जो करता है, ठीक है। देन आफ्टर टाइम एंड प्लेस, यानी कि वैन कब परफॉर्म करना है, ये तो क्या था, बाय वूम, यहाँ पर है वैन कब परफॉर्म करना है, तो इसका आंसर होगा आपके 46 से लेकर 50 तक, जो कब परफॉर्म करना है।
हाउ टू अप्रोप्रिएट। इसके बाद में एक और सवाल आपके सामने आएगा कि भाई अप्रोप्रिएट कैसे करना है, हाउ टू अप्रोप्रिएट मतलब बांटना कैसे, कोई भी अमाउंट मिला है या कोई भी पेमेंट रिसीव हुआ है तो उसको अप्रोप्रिएट कैसे करेंगे। इसका आंसर जो कहां पर दे रखा है, ये आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 59, 60, 61 के अंदर। ये तीन सेक्शन जो इसके बारे में बात करते हैं, 59 हो गया, 60 हो गया और 61 हो गया। अब एक और चीज़ आती है जिसको कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। एक प्रॉमिस जो है वो दूसरे प्रॉमिस पर डिपेंड करता है, दूसरा प्रॉमिस पहले वाले प्रॉमिस पर क्या करता है, डिपेंड है जो कर रहा है। तो वो क्या होता है, हाउ टू डू रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस जो हैं वो किस तरीके से किए जाएंगे, 51 से लेकर 58 तक का कॉन्सेप्ट जो इस बारे में डील करता है। ओवरऑल ये जो पिक्चर आपको यहाँ पर दिख रही है ना, ये आपके परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट के बारे में बात करती है कि कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो कैसे किया जाएगा। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को हम छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देंगे तो फिर हर एक टुकड़े को आसानी से पढ़ना, उसको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है, फिर वो मुश्किल नहीं रहता है। हाँ जी ठीक है, इस बात को हमें क्या करना है, आसान वे के अंदर समझना है। और अब जो है एक एक टुकड़े को डील करेंगे। देखो कुंभकर्ण को, कानूनी कुंभकर्ण को आप डायरेक्ट नहीं मार सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा, फिर एक एक टुकड़े से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, और वही चीज हम यहां पर आपके सामने अभी मैं डेमोस्ट्रेट करने वाला हूं और हम लोग भी इसी तरीके से चलेंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब अगले 5 मिनट में आपके सामने जो चीज आने वाली है पूरा गौर से सुनना और समझने की कोशिश वहां पर करना। ठीक है, हमारे सामने एक सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है और उस सेक्शन को कहते हैं अपन सेक्शन 37। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ज़रूरी है, ये पार्टी की बाध्यता, ये पार्टीज के लिए क्या है, ऑब्लिगेशन है। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो कहीं ना कहीं उनके पार्ट पर क्या माना जाएगा कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का क्या किया है, ब्रिच है जो किया है ना। ऑब्लिगेशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टी टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज के ऊपर ही ऑब्लिगेशन है कि उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट जो परफॉर्म करना पड़ेगा। ये चीज स्पेशली कहाँ मेंशन कर रखी है, सेक्शन 37, 38 और 39 के सेगमेंट में, खासकर 37, मतलब पार्टीज बाउंड है परफॉर्म करने के लिए। अब मान लो प्रोमिसर जो है, प्रोमिसी जो है वो मना कर दे, प्रोमिसी जो है यानी कि जिसको प्रोमिस किया गया था वो एक तरीके से रिफ्यूज़ कर दे कि नहीं मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, या फिर 39 के तहत प्रोमिसर यानी कि प्रोमिस करने वाला ये मना कर दे कि मैं परफॉर्म नहीं करने वाला, प्रोमिसर डिनाय, तो अब उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाता है, यहाँ पर एक तरीके से ऑब्लिगेशन जो है ख़त्म हो जाती है। 38 में, 39 के अंदर, साथ ही साथ में 62 से लेकर 67 तक आपने जो प्रोविज़न पढ़े उनमें क्या हो जाती है, बाध्यता जो है, ऑब्लिगेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर भी क्या हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है। उसके बाद में सेक्शन 40 पर अपन आ जाते हैं। एक चीज़ और, आप जब जजमेंट लिखते हो ना सिविल जजमेंट के अंदर, सेक्शन अगर आपने 37 का जिक्र नहीं किया, सेक्शन 37 का जिक्र नहीं किया, खासकर उस जजमेंट में जहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पॉइंट पूछा गया है, तो आपका जजमेंट कहीं की कुछ बातों की कमी रखेगा। तो ध्यान रखना 37 को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, 37 को मेंशन करना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अगला हमारे पास में जो बिंदु आएगा वो ये है कि इस तरीके से कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। ठीक, सीधा सा पॉइंट ध्यान रखना कि जो पार्टीज़ हैं वो परफॉर्म कर सकती है, जो पार्टीज़ है कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट के जो पक्षकार हैं उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म किया जा सकता है, इसको बोला जाएगा सेक्शन 40। तो सेक्शन 40 के तहत नोट करते हुए चलना, पार्टीज़ यहाँ पर पार्टी जो है क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो कर सकती है। उसके बाद में कई बार आप जो है कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी से भी करवा सकते हो, ये बड़ा पॉइंट रिलेवेंट है और मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि हम लोगों ने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का फास्ट रिविज़न कर रखा है। तो आप में से जिन कैंडिडेट ने स्पेसिफिक रिवीजन की उस रैपिड क्लास को अटेंड कर रखा है मुझे ये बताओ, थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस लेने के संबंध में वहां पर एक सेक्शन था एसआरए का, वो कौन सा सेक्शन था। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर आप थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस लेते हो तो स्पेशल परफॉर्मेंस की जरूरत नहीं रहती, ये कौन सा सेक्शन था वहां पर। हाँ जी बताइए,
आपके आंसर का इंतजार में कर रहा हूँ। बिल्कुल कोनिका जी, सही कह रहे हो आप। सेक्शन 39 को जो है ना एंटीसिपेटरी ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एंटीसिपेटरी ब्रिज जो है कहा जाता है। देखो यही तो आनंद होता है ग्रुप में स्टडी करने का, मतलब अगर किसी कारण से कोई पॉइंट रह भी जाता है तो वहाँ पर जो है हम सब लोग मिलकर इस बात को क्लेरिफाई कर देते हैं। वेरी गुड। कौन सा सेक्शन है? सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस वाला जो पॉइंट है वो इससे कनेक्टेड है। सेक्शन 20 प्रतिस्थापित जो पालना होती है सेक्शन 20 के तहत, वो इसी से मिलती जुलती आप इसको कनेक्ट है जो कर सकते हो। सेक्शन 41 सिंपली इतना कहता है कि अगर आपने किसी पार्टी से, किसी थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस ले ली तो फिर आप मेन पार्टी को बाउंड नहीं कर सकते कि तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। ओके, रिसेप्शन का कार्यक्रम था, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को ये कह रखा है कि तुम्हें स्टेज पर जो है पूरा फ्लावर का डेकोरेशन करना है। क्या करना है? पूरे फ्लावर का डेकोरेशन करना है। अब वहां पर वो व्यक्ति जिसको परफॉर्म करना है वो व्यक्ति नहीं आ पाता। समझ चाहूंगा, कई कबार क्या होता है एकदम यूं छींक का माहौल बन जाता है। चलिए, तो क्या हुआ यहां पर कि रिसेप्शन का कार्यक्रम था और वहां पर किसी व्यक्ति से परफॉर्मेंस करवानी चाहिए थी। ठीक है, परफॉर्मेंस कराना चाहिए था। उस व्यक्ति ने खुद पर्सनली वो वहां पर नहीं आया, किसी और को भेज दिया। किसी क्या कर दिया? और को जो है वहां पर उसने भेज दिया और उसने रिसेप्शन पर सारी फ्लावर की डेकोरेशन कर दी। अब क्या वो शादी ऑर्गेनाइज कराने वाला ये कह सकता है कि नहीं 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 तुम्ही को फ्लावर आके डेकोरेट करने थे? अब तो ऐसा थोड़ना है कि उसके आने से रिसेप्शन का फ्लावर कुछ और अलग टाइप का हो जाता। तो हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, वो चीज डन है वहां पर। नाउ तो थर्ड पार्टी से आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर वहां पर कोई इसी तरह का कोई भी इस आप जो है उस पार्टी को, मेन पार्टी को ऑब्लाइज नहीं कर सकते ऐसा कुछ करने के लिए। अब एक पॉइंट को ध्यान से समझना, ये पॉइंट बड़ा रिलेवेंट आएगा यहां पर कि सेक्शन 42 जो है ना, नया पेज ले लेते हैं। सेक्शन 42, कई बार क्या होता है कि जॉइंट लाइबिलिटी होती है। जॉइंट लाइबिलिटी मतलब एक से ज्यादा प्रोमिसर है। क्या है? जो प्रोमिसर है वो क्या है? मोर देन वन है। तो यहां पर बात आती है कि किसको आप बाउंड कर सकते हो, तो उनमें से किसी से भी परफॉर्मेंस ली जा सकती है। उनमें से किसी से भी परफॉर्मेंस है जो ली जा सकती है, ये बात कहां कह रखी है? सेक्शन 42 के अंदर मेंशन कर रखी है। अब सेक्शन 42 और सेक्शन 44, ये दोनों सेक्शन जो है वो साथ में पढ़े जाने लायक है। सेक्शन 44 में क्या आ जाएगा? यहां पर आपके सामने जिक्र आएगा जॉइंट राइट्स का। जॉइंट राइट्स का एक शब्द क्या है? संयुक्त दायित्व, और दूसरा शब्द है आपके लिए संयुक्त अधिकार। तो 42 और 44 ये दोनों वो सेक्शंस हैं जिनको आपको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने जॉइंट लाइबिलिटी के तहत परफॉर्म करवा दिया या फिर एक तरीके से जॉइंट प्रॉमिस के तहत वो चीज डन हो गई है, तो क्या दूसरे वाले का कोई लाइबिलिटी बनता है क्या? सपोज करो कि यहां पर दो लोग हैं, ए और बी, इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था। आपने ए से परफॉर्म है जो करवा दिया, ए से परफॉर्म करवा दिया, तो क्या बी फ्री होगा क्या? बताइए, क्या बी अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा? यस और नो, कमेंट में रिप्लाई करो। क्या यहां पर मिस्टर बी जो है क्या वो अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएंगे क्या? तो आंसर क्या होगा यहां पर? तो आंसर होगा नो, वो फ्री नहीं होगा। दूसरी बात है, 42 को पढ़ना है किसके साथ में? 43 के साथ। आप किसी भी पर्सन को, एनी पर्सन, एनी भी जो प्रोमिसर है उसको आप बाउंड कर सकते हो परफॉर्मेंस करने के लिए। एनी प्रोमिसर को क्या किया जा सकता है? बाउंड किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो करने के लिए। लेकिन हाँ, जब मान लीजिए ए और बी में से ए को किया गया तो बी यहां पर फ्री नहीं होगा। ए जो है वो बी से क्या करेगा? वापस रिइंबर्समेंट है जो लेगा। बी जो बी से क्या करेगा? एक तरीके से रिइंबर्समेंट जो है वो वहां पर उससे ले लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर क्या रहेगी, सॉरी इसको 45 कर देना, 44 नहीं 45। ज्वाइंट लाइबिलिटी और ज्वाइंट राइट दोनों को चीज़ों को एक साथ में हमें ऑब्जर्व करना होता है। तो 42 में ज्वाइंट लाइबिलिटी का पॉइंट आया और 42 के साथ में 43 को कनेक्ट कर लेना, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को आप बाउंड कर सकते हो। जिसको बाउंड किया है वो दूसरे वाले प्रोमिसर के प्रति एक राइट रखता है, वो क्या कर पाएगा? उससे इस तरीके से रिकवरी जो है आसानी से कर पाएगा। तो 42, 43 और 44 और 45, मतलब यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उस एंगल से इसको समझने की कोशिश है जो करता है। देखिए,
एक नया तरीका मैं आपके सामने रखने का एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। सपोज करो जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट एक शब्द है, यहाँ पर इस शब्द को आपको दो भागों में डिवाइड करना है। पहला जो शब्द हो जाएगा वो रह जाएगा आपके एक तरीके से लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा शब्द आपके रह जाएगा जॉइंट राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो राइट किसके पास होता है, राइट होता है प्रोमिसी के पास में, और लाइबिलिटी होती है प्रोमिसर की। जो प्रोमिसर है उसकी लाइबिलिटी होती है, और जो प्रोमिसी है उसका एक तरीके से क्या होता है, राइट होता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले 42 ने कहा कि भाई जॉइंट लाइबिलिटी हो सकता है ऐसे सिचुएशन के अंदर, मतलब टू और मोर प्रोमिसर है तो सिचुएशन को 42 डील करता है। 43 कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति से, एनी प्रोमिसर से क्या करा सकते हो, परफॉर्मेंस जो है करवा सकते हो। 44 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी एक प्रोमिसर को रिलीज कर दिया गया, एनी प्रोमिसर रिलीज, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली एब्सोल्युटली फ्री हो गया है, नहीं। सपोज करो जॉइंट लोन लिया गया ए और बी के द्वारा, बैंक वाले क्या कर सकते हैं, बैंक वाले जो हैं वो ए को बाउंड कर सकते हैं लोन का रीपेमेंट करने के लिए, और ए ने कर भी दिया तो फिर ए क्या कर सकता है, ए जो है वापस पैसा वसूल सकता है बी से। तो रिलीज करने का मतलब वो व्यक्ति जो है अपनी लाइबिलिटी से फ्री नहीं होता है। और जॉइंट राइट के अंदर जैसे मैंने आपको बताया, एक से ज़्यादा किसी व्यक्ति के पास में अधिकार है तो वो क्या कर सकता है, कोई भी व्यक्ति उनमें से अधिकार का इस्तेमाल जो है अच्छे से कर सकता है, अच्छे से क्या कर सकता है, उन अधिकारों को यूज जो है कर सकता है। और ये बात 45 के अंदर मेंशन कर रखी है। ये पॉइंट कहां पर आ रखा है, 45 में मेंशन कर रखा है। ओके, तो बस 40, 41, 42, 43, 44, 45 मेरे साथ साथ फटाफट रिवाइज करो। सेक्शन 40 क्या कहता है कि पार्टीज जो है वो एक तरीके से क्या करेगी, परफॉर्म है जो करेगी। 41 थर्ड पार्टी से अगर आप परफॉर्मेंस ले लेते हो तो परफॉर्मेंस डन है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। 42 जॉइंट लाइबिलिटी के मामले को डील करता है। 43 किसी एक पर्सन को आप क्या करा सकते हो, कंपेल कर सकते हो परफॉर्मेंस करने के लिए। 44 किसी भी एक प्रोमिसर को रिलीज करने से सारी लाइबिलिटी फ्री नहीं होगी, और दूसरी बात है कि उस जिस व्यक्ति को रिलीज किया गया वो भी कंप्लीटली फ्री नहीं होगा, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। 45 के अंदर जॉइंट राइट्स, जॉइंट राइट्स यानी का मतलब एक से ज़्यादा व्यक्तियों को प्रॉमिस किया गया है तो ये सेगमेंट जो है इस तरीके से आपके 42 से लेकर 45 के डील चीज़ों को डील करता है। इतना आपको मैं कह देता हूँ, 42 से 45 तब अप्लाई होंगे जब एक तरफ एक से ज़्यादा पार्टी हो, एक तरफ या तो प्रोमिसर की साइड में या प्रोमिसी यानी कि वचन ग्रहिता की साइड के अंदर, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान से रखनी है। अब देखिए, अब आ जाता है हमारे पास में टाइम और प्लेस वाला फैक्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कब परफॉर्म करना है और किस जगह पर परफॉर्म करना है, ये कैसे पता चले। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो अलग चीज़ बन जाती है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ है तो वहाँ पर जो है अलग चीज़ है जो बन जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अब यहाँ पर मैं आपके सामने वन बाय वन देखो, 46 से लेकर 50 तक सिर्फ 2 मिनट का काम है। अगर 2 मिनट तक आपने अपनी एनर्जी का लेवल यहाँ पर स्क्रीन पर बना के रख दिया ना, तो सेक्शन 46 से लेकर 50 तक आपको किसी तरह का कोई दिक्कत जो है नहीं आने वाला है। जैसे देखिए 46, सबसे पहले बात करता हूँ 46 का, यहाँ पर क्या है कि ना तो टाइम स्पेसिफाइड कर रखा है, ना तो टाइम स्पेसिफाइड कर रखा है, और ना ही क्या कर रखा है, टाइम को एक तरीके से अप्लाइड किया गया। टाइम Neither स्पेसिफाइड, ना तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, और ना ही दोनों में से किसी पार्टी ने टाइम को अप्लाइड किया है। तो वहाँ पर किस समय परफॉर्मेंस होगी, तो एक शब्द याद रखना, R फॉर रीजनेबल टाइम में। रीजनेबल टाइम में उस कॉन्ट्रैक्ट को आपको क्या करना है, परफॉर्म है जो करना है, ठीक है। अब 47 जो आता है वो क्या कहता है कि जो टाइम है वो स्पेसिफाइड है लेकिन अप्लाइड नहीं किया गया टाइम को। क्या नहीं किया गया, टाइम को जो है अप्लाइड उस समय नहीं किया गया जब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था। 47 स्पेसिफाइड मतलब ये कहा गया है कि भाई आज से 1 महीने बाद परफॉर्मेंस होगी, लेकिन आपको एक बार फोन करना है। अब 1 महीना निकल गया, उस व्यक्ति ने फोन नहीं किया, तो टाइम स्पेसिफाइड तो है लेकिन अप्लाइड जो है नहीं कर रखा है, नॉट अप्लाइड, जो सामने वाला व्यक्ति है उसने अप्लाई नहीं किया। अब ध्यान से सुनना इस बात को, जब टाइम इस तरीके से स्पेसिफाइड हो और अप्लाई नहीं किया गया है तो यूजुअल बिजनेस आवर्स, क्या याद रखोगे, जो सामान्य बिजनेस आवर्स होते हैं ना उस समय परफॉर्मेंस की जाएगी। तो यहाँ पर एक वर्ड याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है आपको नॉर्मल बिजनेस आवर्स के अंदर, जो व्यवहारिक जो घंटे होते हैं
जैसे मान लीजिए 9 से 6 उस टाइम पीरियड के अंदर उसको क्या करना होता है, परफॉर्म जो है करना होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अच्छा एक चीज ध्यान, इसमें अंडरटेकिंग ली जाती है, इसमें एक तरीके से सामने वाले व्यक्ति से अंडरटेकिंग होती है कि देखो तुम्हें बताना है कि किस समय इसको परफॉर्म करना है। ये बात क्या की जाएगी, उस प्रॉमिस से अंडरटेकिंग है जो ली जाती है। ठीक है, अंडरटेकिंग किसकी, प्रॉमिसी की, जिस व्यक्ति को वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, वो व्यक्ति अप्लाई करेगा। अगला पॉइंट हमारे सामने यहां पर ही आएगा 46, 47 के बाद में 48, यहां पर भी सेम पॉइंट है। यहां पर भी क्या हो रखा है, कोई टाइम जो है वो स्पेसिफाइड तो कर रखा है लेकिन प्रॉमिसर की अंडरटेकिंग पर टाइम स्पेसिफाइड है कि इस टाइम को परफॉर्म करना है, लेकिन स्पेसिफाइड टाइम पर भी जो प्रॉमिसर है, वचन देने वाला जो है, वो अंडरटेक लेगा, वो जो है सामने वाले को इन्फॉर्म करेगा कि मैं परफॉर्मेंस इस टाइम पर दे रहा हूं। ठीक है, तो 48, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो ड्यूली डिनाई अगर किया जाता है, मान लीजिए प्रॉमिस जो है वो एक तरीके से अप्लाई किया जाए, तो प्रेफरेंस परफॉर्मेंस जो है वो प्रॉपर प्लेस और टाइम पे की जानी चाहिए। कहां पर, विद इन यूजुअल आवर्स, प्रॉपर प्लेस और यूजुअल आवर्स के अंदर। तो यहां पर आपको सिंपली एक बात याद रखनी है कि अंडरटेकिंग है तो प्रॉपर प्लेस, जो प्लेस मेंशन है वहां पर क्या होगी, परफॉर्म की जाएगी, और जो यूजुअल आवर्स हैं, सामान्य जो घंटे होते हैं, वहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म है जो किया जाएगा। अब पीछे बचता है हमारे सामने दो सेक्शन, नो प्लेस हैज बीन स्पेसिफाइड। मान लीजिए कोई बिजनेस प्लेस जो है उन्होंने बताया ही नहीं, ना स्पेसिफाइड कर रखा है, उस सिचुएशन के अंदर कैसे डील किया जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना कि अगर 49 के तहत, सेक्शन 49 के तहत प्लेस जो है वो नहीं दे रखा है, नॉट स्पेसिफाइड, प्लेस जो है वो स्पेसिफाइड नहीं कर रखा है, कुछ नहीं करना है, जहाँ पर रीजनेबल प्लेस है उस व्यक्ति का, जो उस व्यक्ति का रीजनेबल प्रिमाइसिस है बिजनेस के लिए, कंडक्ट करने के लिए, वहाँ पर उसको क्या कर दिया जाएगा, डिलीवर है जो कर दिया जाएगा, जो उसका रीजनेबल प्लेस है। और सेक्शन 50 सिंपली बात कहता है कि जो चीज़ें प्रेस्क्राइब्ड कर रखी है, अगर आपको टाइम और प्लेस, अगर आपको किस तरीके से परफॉर्म करना है, किस समय परफॉर्म करना है, ये ऑलरेडी प्रेस्क्राइब कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो जो प्रेस्क्राइब कर रखा है उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है ना। यानी कि जब टाइम और प्लेस प्रेस्क्राइब्ड है तब तो सोचना ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है, फॉलो करना है सिंपली उसको। तो अब बेसिकली ये जो सवाल है ना, मुझे पता है कि ये जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि सर ये थोड़ा टॉपिक सिरदर्द कर रहा है। कोई बात नहीं, सुनो, कभी कभार लाइफ में सिरदर्द भी क्या होता है, ज़रूरी होता है। किस समय परफॉर्म करना है, कहां पर परफॉर्म करना है, कैसे परफॉर्म करना है, इसका आंसर जो है 46 से 50 की जो सेक्शंस हैं वो देते हैं। 46 ने सिंपली ये कहा है, 46 ने, कि जब कोई भी टाइम स्पेसिफाइड नहीं हो और ना ही किसी पार्टी के द्वारा कोई टाइम अप्लाई कर रखा हो, उस समय आप उसको रीजनेबल आर में सप्लाई डिलीवर कर दो, नंबर वन, डन। 47 कह रहा है कि टाइम स्पेसिफाइड तो नहीं है, टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन उसमें कंडीशन है कि प्रॉमिसी को अप्लाई करना पड़ेगा, इस बात की अंडरटेकिंग है। तो प्रॉमिसी अगर अप्लाई करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो उसके नॉर्मल वर्किंग बिजनेस आवर्स के अंदर उसको सप्लाई कर देंगे। 48, टाइम स्पेसिफाइड है लेकिन प्रॉमिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। 47 के अंदर प्रॉमिसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, 48 में प्रॉमिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, 49 में क्या हो जाएगा, कोई भी प्लेस स्पेसिफाइड नहीं है तो जो रीजनल प्लेस ऑफ बिजनेस होता है वहां पर उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। और उसके बाद में 50 में, जो तरीका प्रेस्क्राइब कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट में, जो टाइम प्लेस मेंशन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें क्या हो जाएगी, वहां पर डिलीवर जो है हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को हमें क्या करना है, माइंड के अंदर ऑब्जर्व करना है इस तरीके से। तो ये 46 से लेकर 50, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप में से वो कैंडिडेट जिन्होंने एक बार भी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को नहीं पढ़ा है, उनको परेशानी हो रखी होगी, मैं इस बात को समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये टर्मिनोलॉजी जो पहले डील नहीं किया है। लेकिन कई बार जो क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है ना, हमें साथ साथ में पढ़ना भी ज़रूरी होता है। ओके, खैर चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर हमारे सामने जो अगला बिंदु आने वाला है वो कौन सा है, रेसिप्रोकल एग्रीमेंट या रेसिप्रोकल एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट। देखो प्रॉमिस जो है ना, कई बार एक प्रॉमिस डिपेंड करता है दूसरे वाले प्रॉमिस पर, इस सिचुएशन को बोला जाता है रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, व्यतिकारी वचन जो एक दूसरे के बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखिए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस,
सेक्शन 51 से लेकर 59 तक, ठीक है, 51 से लेकर 59 तक। फटाफट कीवर्ड बता रहा हूँ, कीवर्ड नोट कर लेना और कुछ नहीं करना है। 51 से लेकर 58 तक के जो प्रोविजन है, सॉरी 58 तक के जो प्रोविजन है उनके कीवर्ड मैं आपको बताऊंगा। कीवर्ड माइंड के अंदर नोट कर लीजिए और कुछ भी आपको दिक्कत करने की जरूरत जो है नहीं होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि प्रॉमिसी अगर परफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं है, प्रॉमिसी यानी कि जिसको वचन दिया है अगर वो रेडी नहीं है, प्रॉमिस से परफॉर्म करने के लिए बाउंड नहीं है। पहला पॉइंट 51, एक काम करते हैं टेबल बना लेते हैं, उस टेबल के अकॉर्डिंग इस चीज़ को डील कर लेते हैं। ये यहाँ पर हमारे सामने अलग अलग सेक्शन का जो है ये टेबल बन जाएगा। यस, सेक्शन 51, सिंपल सिंपल कीवर्ड लिखवा रहा हूँ और कीवर्ड अगर आपने याद रख लिए तो मान के चलेगा एग्जाम में आपको दिक्कत जो है नहीं आने वाला है। 51, अगर प्रॉमिसी यानी कि प्रॉमिस जिसको किया गया है, प्रॉमिसी जो है वो नॉट रेडी है, वो अगर परफॉर्मेंस लेने के लिए तैयार नहीं है, नॉट रेडी है, तो क्या हो जाएगा, जो प्रॉमिसर है ना वो फ्री होए, फिर प्रॉमिसर जो है वो नॉट बाउंड है। सीधी सी बात है, जिसको परफॉर्म करना है, अब बेचारा जोमेटो से डिलीवरी देने के लिए आया, वो कह रहा है मैं तो गेट ही नहीं खोलूंगा, या मैं तो गेट खोलूंगी नहीं, तो मत खोलो गेट, वो बंदा परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं हो, वरना चला जाएगा वहां से, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, प्रॉमिसी का मतलब क्या होता है, वचन ग्रहिता, वचन जिसको वचन जो है दिया गया है, जिसको प्रॉमिस दिया गया है उसको क्या बोला जाता है, प्रॉमिसी जो है बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगले बिंदु पर आ जाते हैं 52 पर। 52 में ध्यान रखना, सिंपल सा वर्ड है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, क्या लिखोगे, जो पालना है वो किस क्रम के अंदर होगी, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। एक कीवर्ड याद कर लो, 51 से 58 में हमेशा हमें समस्या आती है कि ये चीज़ें याद नहीं हो पाती, तो आज आपके पास मौका है, क्या करना है आपको, एक कीवर्ड याद रखना है कि परफॉर्मेंस जो है किस क्रम में होगा, जो पालना है कॉन्ट्रैक्ट की पालना उसका क्रम क्या होगा, ये बात आपको 52 के अंदर मिलेगी। तो जो चीज़ आपको वहाँ पर दिख रही है, जैसे आपने दूध वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम दूध दे देना और बदले में तुमको पेमेंट कर देंगे हाथों हाथ, तो पहले दूध दे देगा, पहले मिल्क की सप्लाई कर देगा, उसके बाद उसको पेमेंट कर देना, तो ऑर्डर टू परफॉर्म 52 के अंदर है जो आ जाएगा। अब 53 को समझने की कोशिश जो कीजिएगा, 53 में क्या है कि इफ़ वन पार्टी, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करे, अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करे, प्रिवेंट करे, तब वहां पर क्या इफेक्ट आता है, ये आपको मिलेगा 53 में, सेक्शन 53। अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को क्या करे, एक तरीके से प्रिवेंट करे, रोके परफॉर्मेंस करने से, प्रिवेंट करे, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शून्य करणीय बन जाएगा, यानी कि वॉइडेबल जो है वो हो जाएगा, शून्य करणीय जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पर बन जाएगा। 54, नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। 54 में कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारे किस सिचुएशन के अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल और डिपेंडेंट होते हैं, म्यूचुअल एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंडेंट हो, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं साथ साथ में फॉलो किए जाने चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होने चाहिए, एक साथ में फॉलो किए जाने चाहिए। अब देखो टाइम जो है, टाइम वो क्या कर रहा है, एक तरीके से फेल हो, टाइम पर परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है, टाइम फैक्टर है और पार्टी फेल हो जाती है उस कॉन्ट्रैक्ट को उस टाइम पीरियड के अंदर परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पर ये बात याद रखना 55 में कि टाइम फैक्टर मतलब एक निश्चित समय के अंदर परफॉर्म करना था, टाइम फैक्टर में परफॉर्म करना था, एंड और जो पार्टी है और जो पक्षकार है वो क्या हो जाता है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में परफॉर्म नहीं कर पाता है, फेल्ड हो जाता है, तो उस सिचुएशन में फिर आप सामने वाली पार्टी को लायबल नहीं ठहरा सकते। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना इस पॉइंट पे कि अगर वहाँ पर 55 में एक बिंदु आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये जो टाइम पीरियड है ना, अगर ये टाइम पीरियड असेंशियल है, आवश्यक है, अगर ये टाइम पीरियड असेंशियल है, तब तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल, तब तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, वॉइडेबल। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड जो है ज़रूरी नहीं है, असेंशियल नहीं है, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उस सिचुएशन में आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक तरीके से डैमेजेस जो है वो क्लेम कर सकते हो, डिले के लिए डैमेजेस जो है, यानी कि जो आपको नुकसान हुआ है, डैमेजेस फॉर डिले आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर क्लेम है जो कर सकते हो। तो ये तो पांच बातें रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस के संबंध में, पहला
प्रॉमिस ही अगर रेडी नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगा। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा, 52 जो है डील कर रहा है, एक पार्टी प्रिवेंट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल है जो बन जाता है। उसके बाद में म्यूचुअल और डिपेंडेंट है तो उसके नेचर के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस होगी। अगर टाइम फैक्टर और पार्टी फेल हो जाती है तो टाइम अगर वहां पर असेंशियल है तब तो वो वॉइडेबल हो जाएगा, और टाइम असेंशियल नहीं है तो जितनी देरी हुई है उसके लिए वो क्या करेगा, डैमेजेस जो है क्लेम वहां पर करेगा। अब आगे तीन सेक्शन हमारे सामने आते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है 56 का। सिंपल सी बात है, अगर इम्पॉसिबल एक्ट हो जाता है, कोई भी चीज इम्पॉसिबल हो जाती, इसको एक तरीके से डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहा जाता है ना, यानी कि जो इवेंट है वो अपने आप में क्या होगी, फ्रस्ट्रेट हो गई, तो इम्पॉसिबिलिटी वाले सिचुएशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या बन जाता है, वॉइड जो है हो जाता है। 57 की अगर मैं बात करूं, 57 के अंदर यहां पर क्या मेंशन हो जाएगा, ध्यान से सुनना, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लीगल प्लस इलीगल दोनों है, लीगल टर्म्स भी हैं और इलीगल टर्म्स दोनों हैं, नोट करना इस बात को, लीगल भी हैं और प्लस उसके अंदर कुछ चीजें इलीगल भी हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो लीगल टर्म है उसको तो कह देंगे अपन कॉन्ट्रैक्ट, उसको तो क्या कह देंगे, यानी कि वो आगे जाके क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट है जो बन जाएगा, और ये जो इलीगल टर्मिनोलॉजी है ना, इलीगल चीज आगे जाके वॉइड एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट के अंदर कन्वर्ट है जो हो जाएगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है 58। कई बार क्या होता है, अल्टरनेट प्रॉमिस होता है, अल्टरनेट प्रॉमिस, और जिसकी एक ब्रांच लीगल है और दूसरी ब्रांच इलीगल है, एक ब्रांच लीगल है और दूसरी ब्रांच क्या है, इलीगल है, तो ओनली लीगल ब्रांच इज इन्फोर्सिबल, ध्यान रखना। अल्टरनेट प्रॉमिस यानी कि या तो ये करो या फिर ये करो, इसको बोला जाता है अल्टरनेट प्रॉमिस। यहां पर क्या होगा, ओनली लीगल ब्रांच इज इन्फोर्सिबल, सिर्फ जो है क्या होगी, लीगल ब्रांच जो है ना उसको आप प्रवर्तनीय करा सकते हो, इन्फोर्सिबल करा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर। ओके, तो 56, 57 और 58 ये सारे पॉइंट है, फटाफट मेरे साथ एक बार रिकॉल कर दीजिए। देखो 51, थोड़ा सा आंखें बंद करना और मेरी चीज़ों को समझने की कोशिश करना, क्योंकि 51 से लेकर 58 तक की चीज़ें हैं वो तकनीकी रूप से हैं, टेक्निकल है। हमारा माइंड हो सकता है हमें मना कर दे कि सॉरी मैं इनको नहीं सुनने वाला, इसलिए आपको कह रहा हूँ थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करना। नंबर एक, 51 ये कह रहा है प्रोमिसी ने मना कर दिया तो प्रोमिसर क्यों परफॉर्म करेगा। 52 किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, अगर एक्सप्रेसली कोई तरीका दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग, अगर कोई एक्सप्रेसली तरीका नहीं दे रखा है तो ट्रांजेक्शन का नेचर कैसा है वैसे परफॉर्म करो, ठीक है। दूसरा, एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करे तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है, वॉइडेबल है जो बन जाता है। 54 में, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई प्रोमिसेज आपस में म्यूचुअल और डिपेंडेंट है तो प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ वन प्रोमिस है वो क्या बन जाएगी, दूसरे प्रोमिस के लिए बेसिक कंडीशन है जो बन जाएगी। 54 55 में टाइम फैक्टर जरूरी है, और वहां पर जो पार्टी जो है फेल हो जाती है उस टाइम पीरियड के अंदर उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने में, तो देखा जाएगा कि वो क्या वो टाइम असेंशियल एलिमेंट है क्या, असेंशियल बोले तो जरूरी आवश्यक चीज है क्या, अगर है तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल करो, और अगर नहीं है तो जितना डिले हुआ है उसके डैमेजेस क्लेम कर दो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बना हुआ रहेगा। 56, अगर कोई इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड बन जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन का सिद्धांत यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद में 57 की अगर बात करें तो 57 सिंपल सा पॉइंट आ जाएगा यहां पर कि अगर लीगल प्लस इलीगल दोनों चीजें हैं तो लीगल वाला तो वैलिड होगा और जो इलीगल वाला है वो अपने आप में क्या होगा, वो एक तरीके से वॉइड एग्रीमेंट जो है कहा जाएगा। देन आफ्टर लास्ट में अल्टरनेट ब्रांच, जिसकी एक ब्रांच लीगल है और दूसरी इलीगल है, तो उसमें सिर्फ लीगल ब्रांच जो है वो इन्फोर्स वहां पर हो जाएगी। ये है आपके 58 तक के प्रोविजन। सर थक गए, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप लोग थक गए हो, मैं गलत हूँ, प्लीज़ मुझे ये बता दो कि सर आप गलत सोच रहे हो, हम लोग नहीं थके। देखो जीवन के अंदर है ना कई बार ऐसे मुकाम आते हैं जहाँ पर थोड़ा लंबा चलना पड़ता है, खुद के स्टेमिना पे भरोसा रखो, खुद के बॉडी के ऊपर भरोसा रखो कि इतनी आसानी से हार वार नहीं मानने वाले लोग हैं। LLB डबल ग्रेजुएट करके बैठे हो, हर एक के बस की बात नहीं है। अरे एक इंसान तो है ग्रेजुएशन करने में भी छीके ले लेता है, तुम लोगों ने डबल ग्रेजुएशन करने की हिम्मत दिखाई है तो थोड़ा सा और हिम्मत रखो और आइए इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं पर कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर आप हार गए ना, आप थक गए ना, तो आपको थका हुआ देखकर मैं भी थक जाऊंगा, और जीवन के अंदर एनर्जी एक दूसरे से मिलती है, किसी और से नहीं मिलती है। इसीलिए यकीन करो खुद के ऊपर,
अगले आधा घंटा हम थोड़ा और डिस्कशन करने वाले हैं, और इसलिए करने वाला हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इस टॉपिक को यहीं पर आज अपन खत्म करेंगे, जनरल प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू को। ना थके हैं ना हारे हैं, वेरी गुड, ये अप्रोच होनी चाहिए। चलिए कुछ एक छोटी सी बात कहते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जीवन के अंदर जो है ना, जब लहरें एक समुद्र के एक किनारे से चलती है ना, तो उसको नहीं पता होता है कि वो समुद्र के दूसरे किनारे पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। लेकिन जरा उस लहरों के दिल में झांक कर देखो तो आपको पता चलेगा किस जुनून से वो चलती है। आप उनके उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन वो अपना बहना जो है, धाराएं, लहरें जो हैं अपने जीवन के अंदर बहना नहीं छोड़ती है। हमें भी जो है ना अपना नेचर उन समुद्र की लहरों की तरह रखना है, बहते चलो। समुद्र का किनारा आएगा तो सही या ना सही, लेकिन सफ़र को तो एंजॉय करेंगे ना, यात्रा को तो एंजॉय करेंगे ना, वेरी गुड। चलिए तो एक बार कमेंट बॉक्स हो जाए, सर लेट डू इट अगेन, मतलब वापस रेडी हो जाओ, एक बार तैयार हो जाओ, एनर्जी डाउन तो होना ही नहीं है, वेरी गुड, नो एनर्जी डाउन, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखो हमारे सामने दो मेन टॉपिक बाकी, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो मुद्दे जिनको हमें अच्छे तरीके से क्या करना है, डिस्कस जो है करना है। पहला जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुद्दे को, जो कि बहुत सीरियस है, जिसको अच्छे से समझना ज़रूरी है। और दूसरा जो पॉइंट हमारे पास रहेगा वो छोटा सा है, एप्रोप्रिएशन का। एप्रोप्रिएशन करना मतलब जो पेमेंट है वो अपने आप में क्या होता है, किस तरीके से एप्रोप्रिएट किया जाएगा, उस पर डिपेंड है जो करता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपन यहाँ पर नेक्स्ट प्रोविजन की। और अगला जो प्रोविजन है हमारे सामने वो रहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है ए नाम का, उसने कुछ पैसे उधार दिए बी को। कितने पैसे दिए? 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख रुपए उसने बी को उधार दिए। अब बी क्या कर रहा है, अच्छा ये बात कब हुआ, 2020 के अंदर उसने पैसे उधार दिए, 2021 में इसने इसको वापस 3 लाख रुपए और उधार दिए। कितने? 3 लाख रुपए और उधार दिए। 2022 के अंदर इसने इसको वापस क्या किए, 2 लाख रुपए और उधार दे दिए। ठीक है, ए के पास बहुत पैसा है इसलिए बी को उधार दिए जा रहा है, देने दो, इसी बारे में हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना और कुछ नहीं। तो टोटल इनके बीच में कितने ट्रांजेक्शन हो गए? 3 ट्रांजेक्शन हो गए। अब बात आती है रिकवरी की। तो जब रिकवरी हो रही थी तो बी ने क्या किया, बी ने जो है ए को एक 7 लाख रुपए का चेक पकड़ाया। कब पकड़ाया? 2023 के अंदर, 2023 के अंदर। ओके, अब सवाल ये आता है कि जो 7 लाख रुपए ये कहाँ एडजस्ट करें? क्या 7 लाख अगर मैं इनको नाम दे दूँ, ये पहला ट्रांजेक्शन, ये दूसरा ट्रांजेक्शन, ये तीसरा ट्रांजेक्शन, तो 7 लाख कहाँ यूज़ करें? पहले ट्रांजेक्शन पर यूज़ करना है, दूसरे ट्रांजेक्शन पर यूज़ करना है, या तीसरे ट्रांजेक्शन पर यूज़ करना है? ओके, अब ये बात यहाँ पर जब आती है तो इसको किस तरीके से डील करेंगे। एग्जाम्पल क्लियर है ना, ए ने बी को 3 अलग अलग टाइम पर पैसे उधार दिए, बी जब वापस रीपेमेंट कर रहा है तो वो पैसा किसके लिए यूज किया जाए, किस कौन से बोरोविंग के लिए क्या करना है, यूज करना है, वो हमें यहाँ पर समझना है। तो सीधा सा फंडा आएगा, क्या फंडा आएगा, आपको यहाँ पर कुछ नियमों को फॉलो करना है। और वो नियम कौन कौन से हैं? वो नियम है सेक्शन 59, सेक्शन 60 और सेक्शन 61। इसको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन। क्या करना, जो पैसा आया है उसका प्रभाजन आप किस तरीके से करोगे, वो हमें ये 3 सेक्शन जो हैं वो डील करवाएंगे। तो आइए ज़रा जानते हैं इन 3 सेक्शन के बेसिक फंडे के बारे में। देखो सेक्शन 50 जो है ना, 58 जो 9 जो है वो क्या कहता है, 60 क्या कहता है, 60 क्या कहता है। देखिए अब यहाँ पर इस सिचुएशन को मैं 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला सिचुएशन, एक काम करते हैं कुछ बॉक्सेस बना देते हैं, ये पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स और ये तीसरा बॉक्स, ठीक है। नंबर 1 पहला पॉइंट यहाँ पर आ रहा है पेमेंट का एप्रोप्रिएशन। यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ मैं कि जो भी पेमेंट आया है उसको किस तरीके से एप्रोप्रिएट करना है, ये हमें सीखना है। पेमेंट का एप्रोप्रिएशन जो है वो किस तरीके से होगा, पेमेंट का प्रभाजन किस तरीके से होगा। 2 सिचुएशन, 2 बातें होगी यहाँ पर। पहला जो पॉइंट है वो ये होगा कि एटलीस्ट 1 पार्टी ने अप्रोप्रिएट करने के लिए कह रखा, एटलीस्ट 1 पार्टी अप्रोप्रिएट, पहला पॉइंट लिख लेना यहां पर, एटलीस्ट कम से कम 1 पार्टी, एक पार्टी क्या कर रही है, अप्रोप्रिएट वहां पर कर रही है, एटलीस्ट 1 पार्टी अप्रोप्रिएट। और दूसरी सिचुएशन, नो पार्टी अप्रोप्रिएट, मतलब दोनों में से कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं कर रही है, यानी कि नो पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी जो है अप्रोप्रिएट नहीं कर रही है। ओके,
अब इन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें आगे की सिचुएशन को डिवाइड करना है। ओके नाउ अब देखो, अब इस सिचुएशन में यहां पर भी दो बातें हो जाएगी। अगर पेमेंट देते समय कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, तो वहां पर उसको यूज करने का तरीका क्या रहेगा समझना। अगर स्पेशल डायरेक्शन है कि जो पेमेंट दे रहा हूं मैं इसको इसी तरीके से यूज करना है, तो इसको कानूनी भाषा में क्लेटन का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लेटन का रूल जो है कहा जाता है, मतलब जैसा कहा है वैसा करो। क्या लिखोगे यहां पर? जैसा कहा है वैसा करो। मतलब इस एग्जांपल में सपोज करो बी ने कह दिया कि 7 लाख रुपए जो हैं वो आप इन दोनों ट्रांजेक्शन में, पहले और तीसरे ट्रांजेक्शन में अप्लाई करना है, फर्स्ट और थर्ड पर, तो इसने जैसा कहा है उसको वैसा फॉलो करना पड़ेगा। ये क्या है? सेक्शन 58 है, अप्रोप्रिएट कर लिया यहाँ पर। दूसरी बात, अगर स्पेशल डायरेक्शन नहीं है, सपोज करो नो स्पेशल डायरेक्शन, कोई स्पेशल डायरेक्शन डेटर की तरफ से नहीं आ रखा है, जिसने पैसे उधार दिए उसने कुछ नहीं कहा है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति पैसे रिसीव कर रहा है यानी कि क्रेडिटर, क्रेडिटर की मर्जी है, क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन पर, क्रेडिटर के डिस्क्रिप्शन पर क्या किया जा सकता है? पैसे को इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। यानी कि जब बी ने 7 लाख रुपए का चेक पकड़ा है, बी ने कुछ नहीं कहा, तो ए जो है वो क्या कर सकता है? ऐसा करेगा कि पहले इस वाले को निपटा देगा, फिर 3 लाख में से 2 लाख निपटा देगा और 1 लाख रुपए पेंडिंग रखेगा। यानी कि अभी दो बातें पेंडिंग रहेगी, यहाँ का 1 लाख पेंडिंग है और ये 2 लाख पेंडिंग है। तो क्रेडिटर का डिस्क्रिप्शन है, क्रेडिटर की मन मर्जी है कि वो उसको किस तरीके से यूज करें। ये बात आती है 59 पर। मतलब यहाँ पर डेटर ने अप्रोप्रिएट कर लिया, यहाँ पर क्रेडिटर ने अप्रोप्रिएट कर लिया, दोनों में से किसी न किसी पार्टी ने तो अपने तरीके से जो है अप्रोप्रिएट कर ही लिया। लेकिन जब दोनों में से कोई पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करे तब क्या होगा? दोनों में से कोई पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करे, उस सिचुएशन को किस तरीके से डील किया जाएगा, ये हमारे लिए समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से सुनना इस बात को, जब ऐसी नौबत आती है ना, जब इस तरह की सिचुएशन आती है, तो यहाँ पर भी आपके दो ब्रांचेज बनेगी, इस सेगमेंट के अंदर भी दो ब्रांचेज हैं जो बनेगी। इसमें क्या होता है, डेप्ट जो अगर है इक्वल स्टैंडिंग का है और नहीं है, जैसे कि जो भी उधार है, ऋण है, ऋण को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ऋण को इंग्लिश के अंदर कहा जाता है डेप्ट। ऋण यानी कि जो लोन है, अलग अलग टाइम पे जो लोन ले रखा है, पहली बात तो वो इक्वल स्टैंडिंग का नहीं है, मतलब अलग अलग है, नॉट इक्वल स्टैंडिंग। ये ध्यान से समझना, बहुत टेक्निकल पॉइंट है ये। इक्वल स्टैंडिंग मतलब पहली बार भी 2 लाख का लोन लिया, दूसरी बार भी 2 लाख का लोन लिया, तीसरी बार भी 2 लाख का लोन लिया, इसको बोला जाता है इक्वल स्टैंडिंग। अनइक्वल में क्या होता है, जैसे कि 2011 के अंदर 5 लाख रुपए लिए, 2012 के अंदर 3 लाख रुपए लिए, 2013 के अंदर 2 लाख, ये अनइक्वल है, बराबर नहीं है। और दूसरा होता है कि जो डेप्ट है वो इक्वल स्टैंडिंग का है, डेप्ट जो है तीनों बार जो उसने पैसा उधार लिया ना, वो उसने बराबर अमाउंट का लिया है। यानी कि 2011 के अंदर भी 2 लाख रुपए लिए, 2012 के अंदर भी 2 लाख रुपए लिए और 2013 के अंदर भी उसने 2 लाख रुपए लिए, ठीक है। अब ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर अनइक्वल स्टैंडिंग होती है तब फीफो मेथड फॉलो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फीफो। अभी फीफो क्या है, जिन्होंने मैथ्स पढ़ रखी है वो इसका मतलब जानते होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसको पहले चुकाया जाएगा, ठीक है, और जो पहले आया पहले चुकाया जाएगा, जो बाद में हो बाद में चुकाया जाएगा, फीफो मेथड फॉलो किया जाता है। लेकिन अगर आपका पैसा जो है वो इक्वल है, इक्वल स्टैंडिंग का है, तो आप प्रोपोर्शनेट रूल अप्लाई करोगे। क्या करोगे? इस सिचुएशन के अंदर ये जो नौबत अगर आपके सामने आती है तो यहाँ पर आपको अनुपातिक नियम जो है वो लागू करना पड़ता है, प्रोपोर्शनेट रूल अप्लाई करना पड़ता है। ये बातें कहाँ पर आती हैं? नो पार्टी अप्रोप्रिएट की सिचुएशन जो है वो सेक्शन 61 में आती है, ठीक है। ये आपका जो प्रावधान है वो सेक्शन 59 में आता है, ये जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 58 में आता है। बात समझ में आई या नहीं आई, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो एक बार। क्या ये फंडा आपको माइंड में बैठा, हाँ या ना? क्योंकि मेनली फंडा क्या होता है कि आप डेप्ट को किस तरीके से अप्लाई करोगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, पेमेंट पहले इंटरेस्ट को लेस किया जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल पे लागू होता है। पेमेंट जो है पहले उसमें से ब्याज चुकाया जाएगा और फिर जो है जो मूलधन है यानी कि जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाएगा,
ठीक है, ये बातें हमें अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से सेक्शन 59, 60, 61, अगर ये डायग्राम आपके पास है ना, तो 59, 60, 61 कुछ भी नहीं है। फिर तो 59, 60, 61 आप आसानी से क्या कर सकते हो, अच्छे से डील जो है वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको वहां पर नहीं आने वाली, क्योंकि इस एक डायग्राम के अंदर सारी सिचुएशन अपने आप में क्लियर हो रही है। फिर से कह रहा हूँ, टेलीग्राम के अंदर जाके लिंकिंग लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसका पूरा PDF आपको वहाँ पे देने वाला हूँ मैं, ठीक है। पहले इंटरेस्ट को करेंगे, उसके बाद में दूसरा सेगमेंट है जो आएगा। अब हमारे पास में अंतिम टॉपिक आता है, और वो आता है अंतिम नहीं सॉरी सेकेंड लास्ट टॉपिक आएगा। एक टॉपिक और है जिसको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखते हैं बट एक्चुअल में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसको रिजेंबलिंग कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हूँ। 68, 69, 70, 71 और 72, ये पांच तरह के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी में आते हैं। मतलब इसमें एक्सप्रेसली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है, लेकिन अगर आप उसका ब्रिज करते हो तो उस सिचुएशन के अंदर आपके ऊपर भी लायबिलिटी क्या है, बन सकती है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ध्यान से सुनना। नंबर वन, सबसे पहले है नेसेसिटी। मान लीजिए आपने किसी माइनर को कोई नेसेसरी सप्लाई की, कोई आवश्यक चीज़ों की जो है आपने चीज़ें सप्लाई की, तो जब वो माइनर एक तरीके से बड़ा हो जाएगा तो आप उससे उसकी कॉस्ट रिकवर कर सकते हो। आपके और उस माइनर के बीच में एक तरीके से क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। दूसरी बात में, दूसरा पॉइंट है रिइंबर्समेंट। रिइंबर्समेंट का मतलब होता है पुनर्भुगतान। रिइंबर्समेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से पुनर्भुगतान। आपने किसी अन्य व्यक्ति के बिहाव पर कोई पेमेंट किया, तो आपके पास अधिकार है कि आप उससे क्या कर सको, रिइंबर्समेंट कर सको। एक व्यक्ति ने कोई ऑनलाइन ऑर्डर किया अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से, अब उसकी डिलीवरी उस समय हो रही होती है जब वो व्यक्ति घर पे नहीं है, और कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम है। उसने अपने पड़ोसी को फ़ोन किया, पड़ोसी गया, उसने पार्सल लिया, पेमेंट चुका दिया, तो यहाँ पर जो पेमेंट हुआ है उसका रिइंबर्समेंट वो ले सकता है क्या? मेन से बिल्कुल लेगा। इसको बोला जाता है 69 के तहत उनके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है हुआ है। उसके बाद 70 के अंदर, अगर आप किसी ऐसे एक्ट का बेनिफिट उठाते हो जो कि फ्री नहीं है, अगर आप लाभ उठाते हो किसी ऐसे एक्ट का जो अपने आप में नॉन ग्रेचुअस है, जो क्या है, नॉन ग्रेटिट्यूस है, मतलब जो कि फ्री नहीं है, पेड है, तो उस केस के अंदर आपको उसकी लागत भी चुकानी पड़ेगी। उस केस में उसकी लागत जो है आपको चुकानी पड़ेगी, ये बात भी आती है सेक्शन 70 के अंदर। देन आफ्टर 71, जो फाइंडर ऑफ गुड्स हैं, अगर किसी व्यक्ति को कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाती है, फाइंडर ऑफ गुड्स हैं, तो उसकी वहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, कि वो उसके ओरिजिनल मालिक को वो चीज़ क्या करे, लौटाए, फाइंडर ऑफ गुड्स की लायबिलिटी। और एंड के अंदर, अगर किसी व्यक्ति ने कोई पेमेंट कर दिया है या किसी चीज़ की डिलीवरी कर दी है बाय मिस्टेक या अंडर कोवर्जन, तो यहाँ पर क्या होगा, 72 के अंदर कोई भी पेमेंट जो है हो गया है, कोई पेमेंट जो है हो चुका है, या फिर किसी तरीके से कोई डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी इन द सेंस चीज़ों का परिधान हो गया है, मिस्टेक से, गलती से कहीं और डिलीवर हो गई, या फिर कोवर्जन में दबाव के कारण कहीं और पर डिलीवर हो गई, तो उसको वसूल करने का अधिकार है। दोनों के एग्जाम्पल सुनिए यहाँ पर, दोनों के एग्जाम्पल यहाँ पर क्या क्या होगा। देखो, अगर मान लीजिए आप जो है नेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कर रहे थे, बड़ी प्रैक्टिकल बात है, क्या होगा, नेट बैंकिंग का ट्रांजेक्शन कर रहे थे, ट्रांसफर तो करना था ए को, ए को ट्रांसफर करना था, गलती से ट्रांसफर कर दिया बी को, ये क्या हो गया, ये एक तरीके से पेमेंट अंडर मिस्टेक हो गया। तो जिस व्यक्ति को गलती से ट्रांसफर हुआ है उसके और आपके बीच में एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बन गया है सेक्शन 72 का। कूरियर वाला डिलीवरी देने आया ए के घर पर, गलती से उसने डिलीवरी बी के घर पर दे दी, तो यहाँ पर एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बन गया किसमें, डिलीवरी बॉय और उस बी के बीच में, कि बी क्या करेगा, वापस उसको लौटाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती है, एक तरीके से क्या कहलाती हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है जो कहलाती हैं। यहाँ पर मेन कॉन्ट्रैक्ट भले ही ना हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसा पूरा एस्पेक्ट यहाँ पर आता है। एक मज़ेदार बात और सुन लीजिएगा, ये जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसका सेक्शन 73 में स्पेशल संबंध भी है। सेक्शन 73 अभी पढ़ते हैं इसको, सेक्शन 73 के सेगमेंट को भी हमें डील करना है। क्या है वो स्पेशल बात, सुनना। एक तो होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो, अगर आपने सेक्शन 37 को फॉलो नहीं किया तो वो चीट क्या बन जाएगी, एक तरीके से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंदर है जो आ जाएगा।
ओके, अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाले पैराग्राफ के अंदर भी आपको तीन बातें मिलेगी, ध्यान से सुनना। सेक्शन 73 जो है वो अपने आप में एक नहीं, दो नहीं, तीन पैराग्राफ को डील करता है, और जो तीसरा पैराग्राफ है वो कहता है कि अगर ये बात आप शायद आपने ऑब्जर्व नहीं की होगी, आप लोग सीधा आंसर सेक्शन 73 देते तो 73 आंसर सही है, लेकिन कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि 73 का कौन सा पैराग्राफ, तब हमारा आंसर वहां पे गलत हो जाएगा। ध्यान से नोट कर लेना, 73 का पैरा थर्ड जो है ना, पैरा थर्ड, आज ही ये सेशन खत्म हो जाए तो जाके जरूर देख लेना, 73 का जो पैरा थर्ड है वो आपको यहां पर मिलेगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से संबंध रखता हुआ, इस पार्ट से उसका संबंध है। कैसे, आइए बात करते हैं यहां पर। जैसे कि ये है सेक्शन 73, अब फिर से कह रहा हूं अगले 5 मिनट तक अपनी एनर्जी इधर उधर बिखरी हुई है तो उसको इकट्ठा कर लो, क्योंकि ये सेगमेंट समझना बहुत जरूरी है, जजमेंट राइटिंग के उस इंपॉर्टेंट सेगमेंट को यहां पर मैं बात कर रहा हूं। सेक्शन 73, ये जो सेक्शन 73 है ये तीन पैराग्राफ में डिवाइड होता है, ये क्या होता है, तीन पैराग्राफ में डिवाइड होता है, पैरा वन नंबर एक, पैरा टू नंबर टू, और तीसरा होगा यहां पर पैरा थ्री। ठीक है, तीन पैराग्राफ में हमारा बेरेट इसको क्या करता है, डिवाइड है जो करता है। ठीक है, पैरा वन में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएगी, पैरा वन के अंदर वो चीज़ें आ जाएगी जब किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया और उसके कारण डैमेजेस हुए, तो वहाँ पर डैमेजेस दो तरह के होंगे, एक तो होंगे ऑर्डिनरी डैमेजेस, दूसरे होंगे प्रोबेबल लॉसेस। समझने की कोशिश करना यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, संविदा भंग करता है, संविदा भंग करने का मतलब क्या होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना, क्या होना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें दो तरह के लॉसेस अराइज होते हैं। पहला कौन सा लॉसेस होगा, जो सामान्य लॉसेस हैं जिसको ऑर्डिनरी लॉसेस बोला जाता है, मतलब जो नेचुरली लॉस हुआ है, और दूसरा होता है प्रोबेबल लॉस, दूसरा होता है प्रोबेबल लॉस यानी कि जो संभावित लॉस हो सकता है। ठीक है, तो दो तरह के लॉस, ये बात कहता है पैरा वन, इन दोनों लॉस का आप क्या कर सकते हो, कंपेंसेशन जो है उस व्यक्ति से ले सकते हो। ठीक है, लेकिन इसी के अंदर दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है, सेकंड पैराग्राफ, इसको नोट कर लेना, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से कोई रिमोट डैमेजेस हुआ हो, कोई रिमोट डैमेजेस हुआ हो या इनडायरेक्ट डैमेजेस हुआ हो, इनडायरेक्ट डैमेजेस हुआ हो, तो उसका कोई कंपेंसेशन नहीं मिलता है। रिमोट, रिमोट मतलब जो डायरेक्टली कनेक्ट ही नहीं है, डायरेक्टली कनेक्ट है जो नहीं हुआ है। सपोज करो कि ए ने व्यापार करने के लिए क्या किया, बैंक से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, बैंक से बड़ा लोन लिया था, चुका नहीं पाया, तो इसके कारण बैंक मैनेजर की पत्नी का सिर दर्द होने लग गया, वो डॉक्टर के पास की, डॉक्टर ने कहा बहुत खर्चा हो जाएगा, उसकी वाइफ का बहुत सारा खर्चा हो गया, अब वो बैंक मैनेजर कह रहा है कि तुम्हारे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने से मुझे मेरी वाइफ के इतने सारे इलाज का खर्चा करना पड़ा। अरे इनडायरेक्ट कनेक्शन है, कोई लिंक ही नहीं है, तुम्हारी वाइफ को सिर दर्द हो गया तो ठीक है सेरेडॉन दे दो, लेकिन मेरे से खर्चा कहाँ ले रहे हो, रिमोट डैमेजेस का वसूली कंपेंसेशन नहीं बनता है। और तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, ब्रीच ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखें ना, तीसरा पैराग्राफ क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो आप लोगों ने अभी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़े यानी कि रिजेंबलिंग, जो उसके जैसे लगते हैं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि 68 से लेकर 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का अगर ब्रीच हो जाता है तो भी कंपेंसेशन देना पड़ेगा, पैरा थ्री में इसका जो है डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इसलिए सेक्शन 73, एक्चुअल में क्या होता है कि इतना लंबा चौड़ा सेक्शंस है, इतने सारे एग्जांपल है, इसलिए हम अवॉइड कर देते हैं, हम उसको ज़्यादा पढ़ते ही नहीं है, बट हकीकत यह है कि आपको इस तरीके से पूरे सेक्शन 73 का पोस्टमार्टम जो है करना चाहिए, सेक्शन 73 का इस तरीके से पोस्टमार्टम करना चाहिए। और सेक्शन 73 का सीधा कनेक्शन कहाँ जुड़ता है, ध्यान रखना, 73 का उल्टा क्या है, 37। ये एक बच्चों वाली ट्रिक बता रहा हूं, मुझे पता है आप लोगों को अच्छे से पता होगा, 73 का उल्टा है 37। 37 कहता है कि आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो, अगर आप फुलफिल नहीं करोगे तो 37 का उल्टा 73 हो जाएगा। 37 ने कहा ऑब्लिगेशन है, और 37 को पूरा नहीं करोगे तो 73 हो जाएगा। ये बच्चों वाली ट्रिक याद रख लेना, एग्जाम में याद रह जाएगी। 73 कब आता है, जब 37 को फॉलो नहीं करता है। हाँ या ना, ये फंडा समझ में आया, 73 के इन तीनों पैराग्राफ का मतलब समझ में आया, हाँ या ना, ओके। तो मैं ये गलतफहमी पाल लेता हूं कि आपको ये फंडा समझ में आ चुका होगा, ओके। आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे, अगला जो बिंदु हमारे सामने वो क्या है उसको नोटिस करना। देखिए
सेक्शन 74 की यहां पर बात कर रहा हूं मैं, सेक्शन 74। कई बार क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक अमाउंट लिखा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में एक अमाउंट लिखा जाता है कि अगर कोई पार्टी ब्रीच करेगी तो उसको इतना अमाउंट जो है वो पे करना पड़ेगा। जब ऐसी बात लिखी जाती है ना, जब ऐसी बात लिखी जाती है, इसको बोला जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडेशन आपने प्रोवाइड कर रखा है। क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडेशन, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपने ये मेंशन कर रखा है कि ब्रीच होगा, अगर संविदा का पालन नहीं किया जाएगा तो वहां पर लिक्विडेशन होगा। तो उस केस के अंदर भी लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग कंपेंसेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो डिपेंड करता है वो जो लिक्विडेशन का अमाउंट लिखा हुआ है कितना लिखा हुआ है। अब जैसे सपोज करो कि एक व्यक्ति को वेतन दिया जाता है 20,000 और उसको कहा जाता है कि तुमने अगर मेरा नौकरी अचानक छोड़ दिया तो तुमको 20,00,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो यहां पर ये जो लिक्विडेशन है ना, ये बाय वे ऑफ पेनल्टी है, ठीक है। लिक्विडेशन क्या है, बाय वे ऑफ पेनल्टी। दो सिचुएशन यहां पर बनती है, लिक्विडेशन वाला जो अमाउंट है क्या अगर वो पेनल्टी के रूप में है, या फिर सिर्फ एश्योर करने के लिए कि भाई ताकि कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो किया जा सके। तो अगर सिर्फ एश्योर करने के लिए है कि हाँ ताकि वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करता रहे तो वो वैलिड है, लेकिन अगर वो कोई पॉइंट पेनल्टी के रूप में लगता है, जैसे मैंने आपको बताया सैलरी 20,000 की और बोलता है कि अगर तुमने इस तरीके से अचानक छोड़ दिया तो 20,00,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, अरे भाई तेरे यहाँ पर नौकरी करते करते वो व्यक्ति अगले 10 सालों तक 20,00,000 नहीं कमा पाएगा और आप कहते हो कि छोड़ा तो तुमको 20,00,000 देना पड़ जाएगा, इसको बोला जाता है लिक्विडेशन डैमेजेस इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी, जो कि स्वीकार्य नहीं होते। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिख भी दिया गया है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में जाएगा तो पता चल जाएगा कि ये तो लिक्विडेशन जो किया गया है ये इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी जो है कर रखा है। ओके, चलिए ये आ गया 74 के अंदर। और लास्ट में एक पॉइंट हमारे सामने ये आएगा कि जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली रिसाइन करते हो, सेक्शन 75, अंतिम सेक्शन आज की क्लास का 75, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाता है, राइटफुली अगर उसको रिसाइन किया जाता है, मतलब आपने उसका विखंडन अधिकार के स्वरूप किया, जैसे उदाहरण के लिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट था, आपने उसको क्या कर दिया, एक तरीके से रिसाइन कर दिया, तो भी आप जो है डैमेजेस प्राप्त करने का अधिकार रखते हो, डैमेजेस प्राप्त करने का राइट जो है रखते हो। ये बात 75 के अंदर कही हुई है। राइट फुली का मतलब अधिकार पूर्वक, आपके पास अधिकार था इसलिए आपने ऐसा किया, जानबूझकर अगर आपने लापरवाही की है तो वहां पर 75 का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ये सारी बातें किससे कनेक्टेड होती हैं, ये सारी बातें एक तरीके से कनेक्शन जुड़ता है इसका हमारे इस वाले सेगमेंट से, यानी कि 75 से, ठीक है। चलिए तो अब वन बाय वन क्या करते हैं, हम उन पार्ट्स को डील करने की कोशिश करते हैं जो अभी तक हमने स्टडी किए। तैयार हो जाओ अगले 15 मिनट के लिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, पेन कॉपी वगैरह सब कुछ छोड़ दो, और अगले 15 मिनट के अंदर एक प्रयास में ये करने वाला हूं कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के प्रोविजन को समअप करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जनरल प्रिंसिपल के रैपिड रिवीजन। अभी तक जो हमने किया वो था कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, यहां पर हमने कॉन्सेप्ट को समझते समझते रिवीजन करने की कोशिश की है, और अब जो हम करने वाले हैं वो क्या होगा, वो एक तरीके से आपके लिए होगा कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस का सीधा सुपर फास्ट रैपिड रिवीजन। बी प्रिपेयर्ड, एक मिनट ले लो खुद को तैयार करने के लिए, पानी वानी पीना है पी लो, मैं भी पी लेता हूं ताकि हमारी एनर्जी का जो डोज है वो बना रह जाए, और फिर आइए शुरू करते हैं इस रिवीजन को। हरी, यस, रेडी हो, पूरा अटेंशन रखना है। मैं अगर आप चाहें तो अपनी एकदम आंखें क्लोज करके भी इसको सुन लीजिएगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि जो सेक्शंस हम अभी क्विक रिवाइज करने वाले हैं ना, वो सेक्शन आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, और अगर आपने इसको ऑडियो मोड के अंदर भी सुन लिया तो भी आपके लिए ये बहुत बड़ा हेल्पफुल फैक्टर बनेंगे आने वाले टाइम के अंदर। ओके, यस, देखिए 1872 के अंदर 1 सितंबर को एक कानून बनाया गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो आज भी अपने आप में क्या है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, और इसके अंदर कोई ज्यादा अमेंडमेंट भी नहीं हुआ है। ओके,
यूं तो कहने को 238 सेक्शंस है जिसके अंदर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का सेगमेंट भी है, लेकिन स्पेशली जनरल प्रिंसिपल जो होता है सेक्शन 1 से लेकर 75 तक, वो इसके लिए बहुत ही अहमियत रखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले सेक्शन 1 की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो यहां पर क्या रहेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पूरे भारत में होल इंडिया के अंदर एप्लीकेबल होगा और 1 सितंबर को इसकी जो है इफेक्टिव डेट हुआ था। ये सेक्शन 2 जो है अलग अलग तरह की डेफिनेशन देता है, वो कहता है कि ऑफर क्या होता है, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, एक तरीके से प्रॉमिस क्या होता है, या फिर वॉइड एग्रीमेंट किसको कहेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसको कहेंगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है जो किसको कहा जाएगा, ये सारी चीजों को समझाने का काम सेक्शन 2 ने किया है। लेकिन सेक्शन 2 ही सारी डेफिनेशन रखता है ऐसा नहीं है, आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलग पार्ट के अंदर भी कई तरह की डेफिनेशन जो है मिलेगी। सेक्शन 3 ने हमें क्या बताया कि किसी भी प्रपोजल का, किसी भी एक्सेप्टेंस का, किसी भी प्रस्ताव का, या फिर एक तरीके से जो प्रतिग्रहण होता है, एक्सेप्टेंस होता है, उसका कम्युनिकेशन जो है वो एक्ट से भी हो सकता है, ओमिशन से भी हो सकता है, कहकर भी हो सकता है या चुप रहकर भी हो सकता है। सेक्शन 4 ने ये कहा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा प्रपोजल का और एक्सेप्टेंस का। सेक्शन 5 ने ये बताया कि रिवोकेशन ऑफ कम्युनिकेशन, जो आपने प्रपोजल भेजा है या जो आपने एक्सेप्टेंस भेजी है, आप उसका प्रतिसंहरण यानी कि रिवोकेशन जो है कब तक कर सकते हो। सेक्शन 6 कहता है कि रिवोकेशन कैसे कर सकते हो, अलग अलग तरह के मोड जो है सेक्शन 6 ने एक्सप्लेन। सेक्शन 7 सिंपली कह रहा है कि एक्सेप्टेंस जो है वो अपने आप में एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। सेक्शन 8 ने ये कहा कि अगर आप चाहो तो किसी भी चीज का, किसी भी प्रपोजल का एक्सेप्टेंस जो है कुछ कंडीशन को परफॉर्म करके भी कर सकते हो। सेक्शन 8। सेक्शन 9 हमें कहता है कि जो प्रॉमिस है, जो वचन है, वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एक तरीके से इंप्लाइड भी हो सकता है आपके लिए, वो एक्सप्रेस भी और विविक्षित भी है जो हो सकता है। देन आफ्टर हमारे सामने आता है सेक्शन 10, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है इस पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सेक्शन 10, उसको हमें एक फॉर्मूले के अंदर डिजाइन करना चाहिए। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सारी बातें इसमें मेंशन की गई, जैसे कि इसके अंदर फ्री कंसेंट होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्ट जो है लॉफुल होना चाहिए और एक मेजर पर्सन, साउंड पर्सन के द्वारा इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए। सेक्शन 11 हमें बताता है कि कौन कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके, सेक्शन 11 उसमें हमने तीन बातों को खासकर ध्यान से पढ़ा है। पहली बात, व्यक्ति मेजर होना चाहिए यानी कि 18 साल से प्लस होना चाहिए। दूसरी बात, वो व्यक्ति साउंड होना चाहिए, माइंड से ओके होना चाहिए। तीसरी बात, किसी भी कानून के अंदर वो डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। साउंड व्यक्ति कौन होता है सेक्शन 12 जो है एक्सप्लेन करता है। ओके, सेक्शन 12 ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि अगर वो सवाल को समझ सके और उसका रेशनल जजमेंट दे सके तो वो व्यक्ति साउंड है। सेक्शन 13 कंसेंट को एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट क्या होती है उसको बताता है। फ्री कंसेंट का मतलब जहां पर सेक्शन 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 वगैरह नहीं आए, वहां पर वो होती है फ्री कंसेंट। ओके, सेक्शन 15 ने कोर्जन को एक्सप्लेन किया। सेक्शन 16 ने अंडू इन्फ्लुएंस को, असम्यक प्रभाव को एक्सप्लेन किया। सेक्शन 17 ने फ्रॉड के बारे में बताया। सेक्शन 18 ने मिस रिप्रेजेंटेशन, दुर्व्यप्रदेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन दी। सेक्शन 19 ये कहता है अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है कोर्जन के कारण, प्रपीडन या अन्य फ्रॉड के कारण, या फिर जो मिस रिप्रेजेंटेशन है उसके कारण इफेक्ट होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। ये बात किसने कह दी, हमारे सेक्शन 19 ने जो है वहां पर एक्सप्लेन की। 19A ये कहता है कि अगर अंडू इन्फ्लुएंस के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अंडू इन्फ्लुएंस, तो वहां पर भी वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है जो कहलाएगा। सेक्शन 19A ने यहां पर एक्सप्लेन किया। सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर तथ्यों की आप मिस्टेक करते हो, फैक्ट की मिस्टेक करते हो और वो बायलैटरल मिस्टेक है दोनों पार्टीज की तरफ से की गई है, तो वो सेक्शन 20 के तहत एक तरीके से वॉइड एग्रीमेंट कहलाएगा। 21 ये कहता है कि अगर आपने लॉ की मिस्टेक की है, तो अगर इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो कोई प्रभाव नहीं है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। फॉरेन लॉ की मिस्टेक की है तो उसको फैक्ट की मिस्टेक की तरह ट्रीट किया जाएगा। ओके, 22 ये कहता है कि अगर आपने फैक्ट की यूनिलैटरल मिस्टेक की है तो वहां पर क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वैलिड माना जाएगा, कोई इफेक्ट जो उस पर नहीं पड़ने वाला है। नॉट वॉइडेबल का मतलब होता है वैलिड। 23 ने हमें कई सारी बातें बताई कि लाइक जैसे फ्रॉडलेंट नहीं करना है, फॉरबिडन नहीं होना चाहिए लॉ के द्वारा, मॉरल पॉलिसी या पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, तो वो चीजें लॉफुल है जो कहलाती है। अगर किसी चीज में, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रपोजल है, जो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, जो कंसीडरेशन है, अनलॉफुल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। 24 से लगाकर 30 तक वॉइड एग्रीमेंट। 24 ने क्या कहा, अनलॉफुल कोई भी चीज है चाहे वो पार्टली हो फुल्ली हो, वॉइड हो जाएगा। 25 बिना कंसीडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वॉइड हो जाएगा। 26 किसी की शादी में, किसी की मैरिज में रुकावट वाला कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वॉइड होगा।
27 रेस्टोरेंट में किसी व्यापार व्यवसाय के रेस्टोरेंट में रुकावट के लिए अगर आप वो एग्रीमेंट करते हो वॉइड होगा। अगर लीगल प्रोसीडिंग को रोकने के लिए वो एग्रीमेंट कर रहे हो सेक्शन 28 के तहत वो क्या हो जाएगा वॉइड हो जाएगा। 29 के तहत अनसर्टेनिटी अनिश्चितता वाला आपने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो वहां पर क्या रहेगा एक तरीके से वॉइड जो है रहने वाला है। देन आफ्टर वहां पर क्या चीज आ जाएगा आपके सेक्शन 30 के अंदर क्या मेंशन कर रखा है वैगरिंग एग्रीमेंट छदम अगर इस तरह से कोई आप संविधान करते हो तो वो भी वॉइड होगी सिवाय हॉर्स रेस के अंदर 500 रुपए या उससे ज्यादा के रिवॉर्ड को छोड़कर। 31 कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है जो डील करता है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कॉलेट्रल इवेंट पर डिपेंड करता है अगर कॉलेट्रल इवेंट हैपनिंग पर डिपेंड कर रही है तो 32 अगर कॉलेट्रल इवेंट नॉन हैपनिंग पर डिपेंड कर रहा है तो 33 वहां पर अप्लाई होता है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट किसी लिविंग पर्सन किसी जीते जाते इंसान के कंडक्ट पर निर्भर करता है तो 34 को ध्यान में रखा जाता है। और अगर कोई भी कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के तहत हैपनिंग और नॉन हैपनिंग किसी टाइम फैक्टर के तहत बंधी हुई है तो सेक्शन 35 को फॉलो किया जाएगा। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी ऐसी चीज पर है जो इम्पॉसिबल है तो वॉइड हो जाता है सेक्शन 36 हमें ये एक्सप्लेन करता है। देन आफ्टर हमारा पार्ट आता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 37 से लेकर 67 तक। 37 ने हमें ये कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो दोनों पार्टी के लिए कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना जरूरी होता है उसकी ऑब्लिगेशन है। 37 38 के अंदर अगर प्रोमिसी मना कर दे रिफ्यूज कर दे तो प्रोमिसर को परफॉर्म नहीं करना है। 39 के अंदर अगर जो प्रोमिसर है वो एडवांस में मना कर दे तो फिर वहां से क्या किया जा सकता है प्रोमिसी भी फ्री हो जाता है पेमेंट वेमेंट करने के लिए इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। 40 से लेकर आपके 45 तक कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा तो 40 कहता है पार्टीज के थ्रू परफॉर्मिनेशन हो सकता है। 41 कहता है थर्ड पार्टी से आपने परफॉर्म करा दिया तो फ्री है। 42 के अंदर जॉइंट लाइबिलिटी एक से ज्यादा व्यक्ति अगर लाइबल है परफॉर्म करने के लिए तो किसी एक को भी आप क्या कर सकते हो बाध्य कर सकते हो। अगर 43 के तहत आपने किसी एक पर्सन को कंपेल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे व्यक्ति फ्री हो जाएंगे। 44 ये कहता है अगर आपने किसी सिंगल पर्सन को रिलीज कर दिया उसकी लाइबिलिटी से तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंटली फ्री हो गया वो दूसरे वाले परफॉर्म करने वाले लोगों के लिए लायबल है जो रहेगा। 45 में जॉइंट राइट्स की बात की गई कोई भी व्यक्ति अपने इस राइट को इन्फोर्स करवा सकता है। 46 से लेकर 50 तक टाइम एंड प्लेस कहाँ पे और कैसे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है जैसे 46 कह रहा है कि भाई अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है ना ही कोई अप्लाइड कर रखा है तो रीजनेबल आवर्स में अप्लाई कर दो। 47 के अंदर टाइम नहीं दे रखा है लेकिन वहाँ पर जो प्रोमिसी है उसने एक अंडरटेकिंग दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म वगैरह कर दिया जाएगा। सिमिलरली 48 के अंदर प्रोमिसर की अंडरटेकिंग आ जाती है। 49 के अंदर प्लेस मेंशन नहीं कर रखा है तो यूजुअल किसी प्लेस पर कर दीजिए उसको डिलीवर कर दीजिए। सेक्शन 50 के तहत जैसा कह रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको डिलीवरी देनी है उस टाइम पर आपको डिलीवरी है जो परफॉर्मेंस करना है। 51 से लेकर देखिए सेक्शन 51 से लेकर 58 तक के जो प्रोविजन है वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के अंदर डील करता है। रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मतलब क्या होता है जहां पर एक चीज जो है वो किसी आ करती है दूसरी चीज पर डिपेंड करती है। अब 51 जो कह रहा है वो कहता है अगर प्रॉमिस जो है परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है तो जो प्रॉमिसर है वो भी परफॉर्म करने के लिए रेडी है जो नहीं रहेगा। 52 के अंदर ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहेगा उसके बारे में बात की जा रही है। 53 को अगर आप देखोगे तो अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रिवेंट करती है रोकती है परफॉर्म करने के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहां पर वॉइडेबल है जो बन जाता है। 54 के अंदर म्यूचुअल और डिपेंडेंट है म्यूचुअल है और डिपेंडेंट है एक दूसरे के प्रति तो उन कॉन्ट्रैक्ट को एक तरीके से उस नेचर के अकॉर्डिंग जो है डील किया जाएगा। टाइम फैक्टर असेंशियल है सेक्शन 55 कहता है कि टाइम फैक्टर अगर असेंशियल है और उस टाइम के अंदर पार्टी फेल हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो देखा जाएगा टाइम असेंशियल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल टाइम असेंशियल नहीं है तो वहां पर सिर्फ आप डिले के लिए डैमेजेस क्लेम करोगे। 56 इम्पॉसिबल एक्ट के कारण कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो अपने आप में उसको सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी के सिद्धांत से कवर किया जाएगा। ओके देन आफ्टर 57 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर क्या होता है कि एक लीगल ब्रांच है दूसरी इलीगल है मतलब कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं तो सिर्फ लीगल वाला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और इलीगल वाला वॉइड एग्रीमेंट होगा। अल्टरनेट प्रॉमिस का मतलब या तो ये करना है या फिर ये करना है तो इसमें जो वैलिड ब्रांच है जो लीगल ब्रांच है वो तो इन्फोर्स हो जाएगी और जो इलीगल ब्रांच है वो इन्फोर्स वहां पर नहीं होगी। 58 के अंदर ये वाला पॉइंट हमारे सामने आता है। देन आफ्टर एप्रोप्रिएट कैसे करोगे कोई भी पेमेंट आता है तो उसके लिए तीन सेक्शन 59 60 और 61 जिम्मेदार है। 59 ही कहता है कि जब कोई भी एक पार्टी एग्जैक्टली डायरेक्शन दे दे जब डेप्टर कह देता है पैसे चुकाने वाला कह देता है कि इसको इस लोन के अगेंस्ट चुकाना है तो फिर उसी के अगेंस्ट यूज करोगे इसको क्लेटन का रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लेटन का रूल। 50
9 में ये बात कह रहे कि 60 के अंदर अगर डेटर ने कुछ नहीं कहा, पैसे चुकाने वाले ने कुछ नहीं कहा है, तो पैसे रिसीव करने वाले के पास ऑप्शन है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार क्या कर सकता है, यूज़ जो है कर सकता है, उस अमाउंट को अप्रोप्रिएट कर सकता है। और अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अप्रोप्रिएट नहीं करती है, उस सिचुएशन में रोल आता है किसका, सेक्शन 61 का। 61 ये कहता है तब आप ये चेक करो कि वो लोन जो ले रखे हैं वो इक्वल स्टैंडिंग के हैं या अनइक्वल के हैं। अगर अनइक्वल के हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, फीफो मेथड फॉलो कर दो। और अगर वो इक्वल स्टैंडिंग के हैं, अगर वो क्या है अपने आप में बराबर हैं, तो उस सिचुएशन में आपको प्रपोज नेट नियम क्या करना है, फॉलो जो है करना पड़ेगा। प्रपोज नेट नियम क्या कहता है कि आप उनको लोन के अमाउंट के अनुसार डिवाइड कर दो। उसके बाद में हमारे पास आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि सेक्शन 62 नोवेशन रिसेशन अल्टरेशन। अगर आपने करवाया है तो पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 63 के अंदर क्या होता है, कहीं कहीं जैसे मान लीजिए प्रॉमिस ही जो है वो डिस्पेंस कर जाता है, वो कहता है मुझे परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 64-65 इक्विटी का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया है तो इक्विटी करो। 64 वॉइड एग्रीमेंट को रिसाइन किया एक तरीके से, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन किया है, 65 इक्विटी करो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 66 कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का आप रेसिशन जो विखंडन है वो उसको कम्युनिकेट कैसे करोगे, तो उसको प्रपोजल की तरह कम्युनिकेट किया जाएगा। 66 हमें इस बारे में क्या करता है, एक्सप्लेनेशन जो है देता है। और रही बात 67 का, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या मेंशन कर रखा है कि ऐसी सिचुएशन 62 से लेकर हमारे पास 67 तक के प्रोविजन है। 67 में प्रॉमिस ही जो क्या करता है वो एक तरीके से उसको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करवाता है परफॉर्म करवाने के लिए प्रोमिसर को, तो प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए बाध्य वहां पर नहीं है। 68 के अंदर क्या है, नेसेसिटी का कोई भी क्लेम आपने मतलब आपने सप्लाई की किसी व्यक्ति को, तो बाद में जाके आप उसका क्लेम कर सकते हो। किसी व्यक्ति का के बिहाफ पर आपने पेमेंट किया तो रिम्बर्समेंट ले सकते हो 69 के अंदर। देन आफ्टर अगर कोई ऐसा एक्ट जो फ्री नहीं था, नॉन ग्रेजुएट एक्ट था और आपने उसका बेनिफिट लिया तो आपको उसका पेमेंट जो है करना होगा। फाइंडर ऑफ गुड्स, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी चीज पड़ी हुई मिल जाती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस चीज को क्या करेगा, एक तरीके से सही व्यक्ति को वापस रिटर्न है जो करेगा। 72 के अंदर अगर गलती से डिलीवरी हो जाए या गलती से किसी अन्य व्यक्ति को पेमेंट हो जाए तो उनके बीच में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि वो व्यक्ति वापस पैसा लौटाएगा या वो चीज़ जो है वापस डिलीवर करेगा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं 73, 74 और 75। 73 कहता है डैमेजेस किस तरीके से आप कंपेंसेशन के लिए एलिजिबल करवाओगे, तो 73 तीन पैराग्राफ में डिवाइड होता है। पहला पैराग्राफ कहता है कि जो डैमेजेस होंगे वो दो तरीके के हो सकते हैं, ऑर्डिनरी लॉसेस और प्रोबेबल लॉसेस, सामान्य नुकसान और संभावित नुकसान। उसके बाद में दूसरे पैराग्राफ ने कहा कि जो रिमोट और इनडायरेक्ट लॉसेज हैं उसके लिए कोई कंपेंसेशन नहीं बनेगा। देन आफ्टर तीसरे पैराग्राफ ने यह कहा कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है 68 से लेकर 72 तक, इनका अगर ब्रीच होता है तो भी कंपेंसेशन बनेगा। तीसरे पैराग्राफ ने यह कहा। 74 यहां पर कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिक्विडेशन प्रोवाइड कर रखा है कि अगर ब्रीच होगा तो इतना पेमेंट देना पड़ेगा, तो वो लिक्विडेशन अगर बाय वे ऑफ पेनल्टी है तो कोर्ट स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन वो बाय वे ऑफ एश्योरेंस है, पेनल्टी नहीं है, तो कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा। और एंड में 75 ने यह कहा कि अगर जब आप राइटफुली अधिकार स्वरूप किसी कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन करते हो तो भी आपके पास कंपेंसेशन लेने का राइट बना हुआ रहेगा। ये सारी बातें थी किसके लिए, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के सारे प्रोविजंस को कवर करने का एक एफर्ट हम लोगों ने किया है, यहाँ पर किया है। ये एफर्ट कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको वाकई में लगता है कि सर बिल्कुल इस क्लास को हम एक दो बार देख लेंगे तो कहीं कहीं जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अच्छे से कवर कर सकते हो और 100% कर सकते हो, मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो डेफिनेटली रिविज़न आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ तक भी कहूँगा कि आप अगर आपने कॉन्सेप्चुअल रिवीजन अच्छे से कर रखा है तो आप जो ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना उसका एक क्लिप काट लो, उसका एक क्लिप कट कर लो और उस क्लिप को 2-3 बार ऑडियो के मोड में सुन लीजिए, ठीक है। ऑडियो के मोड में सुन लोगे ना तो कहीं कहीं आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो अपने आप में सटीक रूप से स्पेसिफिक हो जाएगा और डेफिनेटली जो इसका बेनिफिट तो आप लोगों को मिलना ही मिलना है, ये विश्वास है। देखो जब भी क्लास में इस तरह की चीज़ लेके आता हूँ ना, एक बात आपको दिल से कहना चाहता हूँ, मैं जब भी क्लास में इस तरह का कुछ चीज़ लेके आता हूँ सिर्फ एक ही मकसद होता है, मकसद ये है कि कम से कम जब आप लाइफ में एग्ज़ाम टाइम का रिवीजन कर रहे हो तो कम समय में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर हो जाएं। एक छोटी सी बात मैं जाहिर करना चाहता हूँ यहाँ पर आप लोगों को, मुझे पता है काफ़ी टाइम हो चुका है, आप में से कई कैंडिडेट्स को लेट वेट भी हो रहा होगा,
लेकिन एक बात ज़रा सुनते हुए जाइएगा, क्योंकि ये जो सुपर फास्ट रिविज़न वाली क्लासेस है ना, इनका आज बेसिक ऑब्जेक्ट आपके सामने खुल के रख रहा हूँ मैं। जब LLB के दौरान एक स्टूडेंट लाइफ को जी रहा था ना, तब कहीं कहीं मैंने इस कमी को बहुत महसूस किया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने YouTube पर खूब सर्च मारा कि मुझे कोई ऐसी क्लास मिल जाए जो क्या करे, सारे पॉइंट को इस तरीके से धनादन धनादन फटाफट सुपर फास्ट रिवाइज करवा दे। नहीं मिली, और यही कारण था, तभी से लग गया था कि नहीं यार, इसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। आप लोग शायद यकीन नहीं करेंगे, बट फैक्ट ये है कि उस समय जो भी वो कीपैड वाला मोबाइल था ना, उसके अंदर वॉइस रिकॉर्डर का एक ऑप्शन आता था, तो वहाँ पर मैं खुद की वॉइस इस तरीके से रिकॉर्ड करके रखता था, और जब टाइम मिलता था उसको सुनता था। मतलब हमें ये छोटी, ये लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती। मुझे पता है ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरीके से करने से क्या होता है, मतलब हम लोग कन्फर्मेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। मतलब नींद के अंदर सपोज करो कि आप रात को थके हुए, आंखें एकदम टायर्ड जल रही है, आंखें बंद कर लो, ईयरफोन लगा लिया, और वही चीज़, वही ऑडियो आपने वापस सुन लिया। मैं यकीन से कह रहा हूँ आपको, ये टेक्निक आपको दिखती छोटी सी है, बट बहुत काम की टेक्निक है। अगर आपको यकीन नहीं हो ना, तो आप भी क्या करना, कोई ऐसा एस्पेक्ट जो आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट है, एक बार उसको भले आप देख के रिकॉर्ड कर लेना, और फिर उसको आराम से आंखें बंद करके वापस सुनना, उसको एक बार सुनना, दो बार सुनना, तीन बार सुनना। अरे ये जो मानव मस्तिष्क है ना, ये इतना आसानी से आपके अंडर में रहेगा कि आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाओगे। आप चीज़ों को क्या कर पाओगे, आसानी से जो है ऑब्जर्व कर पाओगे, समझ पाओगे इन चीज़ों को, मुश्किल नहीं रहेगा वो सेगमेंट आपका। ओके, सो बस इतना ही आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह का जो टेक्निक है ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि कोर्स कराते हुए भागना ये दुनिया की रफ्तार है। देखो भीड़ में चलो जब मजबूरी हो तब, लेकिन जब आपके पास अपना एक रास्ता बनाने का ऑप्शन होना, तो पीछे मत हटो, बना दो वहाँ पर अपना एक रास्ता, और डेफिनेटली वो रास्ता आपके लिए बहुत हेल्प है जो करेगा। ओके, बाकी आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, कनेक्टेड रहना लाइफ में, जीवन का अलग अलग प्लेटफॉर्म बनते रहते हैं। देखो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ हमेशा जीवन के अंदर अलग अलग होती है। आप में से कई कैंडिडेट्स जो हैं वो पुराने प्लेटफॉर्म को क्यों छोड़ा, बार बार सवाल एक पूछ रहे थे। देखो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जीवन में कई बार ऐसे प्रोफेशनल मोड आते हैं जहाँ पर टर्न लेना पड़ जाता है। ओके, इसीलिए इस चीज़ को अब छोड़ो, आप जो चीज़ हो गया उसको लीव इट करो। लाइफ में शो मस्ट गो ऑन, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। क्या यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी मेहनत करने में आपको कोई कमी दिख रही है क्या, कि आपको ऐसा लग रहा है कि तनसुख सर जो है, मतलब अब पहले जितना वैसा नहीं पढ़ाते, दिल से नहीं पढ़ाते, ऐसा लग रहा है क्या, तो मुझसे शिकायत करो। क्योंकि मेरे लिए ये लॉ की क्लासेज है ना, ये बहुत अहमियत रखती है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं सरकारी सेवा को जब छोड़ रहा था ना, तो सिर्फ एक बिलीफ था मेरे पास में कि मैं अच्छा पढ़ाऊँगा और इसको बेहतरीन चीज़ के बनाऊँगा, लॉ को एकदम आसान तरीके से डील कराऊँगा। ये मेरे दिल के एक जज्बात थे जिसको लेकर। हाँ ठीक है, कॉमर्शियल वर्ल्ड के अंदर जी रहे हैं तो कुछ नेसेसिटी होती है, उनको भी फुलफ़िल करना होता है। अपने साथ में जो टीम काम कर रही होती है, उनके जो एक तरीके से आप सैलरी को कुछ भी को, उसको भी अपन को एंटरटेन कराना होता है, हर चीज़ें होती है। लेकिन एक जो दिल की जो बात होती है ना, उसका आनंद अलग होता है। वरना 2.5 घंटे के अंदर ऐसे ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना, हर कोई नहीं इसको मैनेज करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि एक एक घंटा, आधा आधा घंटा गिन गिन के नहीं निकालना है। अगर ज़रूरत पड़े आप अभी कहो, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं है, वापस सेक्शन 1 से लेकर 75 तक तो आपके सामने वापस रिवाइज करा सकता हूँ। क्यों करा सकता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसको इस तरीके से समझ लो, इस तरीके से समझ लो। इसलिए ज़िंदगी के सिद्धांत, तो दो सिद्धांत हमेशा याद रखना, एक तो लाइफ में शो मस्ट गो ऑन, कभी रुकना नहीं है, कभी किसी चीज़ पर स्टिक मत हो जाओ, है ना। स्टिक हो गए तो फिर वहीं पर ख़त्म हो जाएगा लाइफ, फिर आगे कुछ नहीं बढ़ पाएगा। कुछ समय तक लोग आपको याद करेंगे, फिर भूल जाएंगे, ये फैक्ट है। अरे घर वाले भी जो है ना, जब इंसान चला जाता है ना दुनिया छोड़ के, तो भी क्या उसको लाइफ टाइम के लिए याद करते रहते हैं क्या? एक समय के बाद उनको भी इस चीज़ की, उनकी एब्सेंस की आदत पड़ जाती है। एंड मेरे लिए तो, मैं टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए आप सब मेरा परिवार हो, तो जो भी करूँगा इस मंच पर दिल से करूँगा, जज्बात के साथ में करूँगा। बस स्टे कनेक्टेड, जुड़े हुए रहना, क्योंकि लाइफ में अकेला चलते हुए तो मैं डेफिनेटली थक जाऊँगा, लेकिन आप लोगों के साथ में चलूँगा ना, तो ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा, ना खुद थकूँगा ना आपको थकने दूँगा। ये बात तो धन रही।
100% डन रहेगा ये बात, इसीलिए तो खुद ही को कर बुलंद, इतना चढ़ जा जैसे तैसे, खुद खुदा के पूछे बंदे अब उतरेगा कैसे। चलिए दो तीन बातें आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि आज शाम को 7 o'clock जो है ऐसे राइटिंग का फिर से एक सेकंड सेगमेंट स्पेशल सेशन लेने वाला हूँ, ताकि आप मेंस की तैयारी को भी बेहतरीन कर पाओ, क्योंकि आप में से कई कैंडिडेट्स का बार बार ये ईमेल था कि इधर ऐसे राइटिंग के अंदर हमें परेशानी होती है। तो मैंने कहा चलो भाई दो तीन सेशन ऐसे राइटिंग अपन लेंगे स्पेशली, उस पर भी बात करेंगे, नंबर एक। दूसरा, यूपी SI के लिए, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर हो, राजस्थान कांस्टेबल हो, या फिर आपके जो राजस्थान के अंदर दूसरे SI वगैरह के एग्जामिनेशन हो, उन सब में एक महिला और बाल अपराध का एक कानून रहता है। तो संडे का सुबह का डेडिकेशन, क्योंकि कल जो है सभी जुडिशरी वालों का टेस्ट है 11 बजे, इसलिए उनकी मॉर्निंग में कोई क्लास नहीं रहेगी। जितने भी जुडिशरी के कैंडिडेट्स हैं, कल आपको मॉर्निंग में 11 बजे टेस्ट अटेंड करना है, ध्यान रखना टेस्ट आपको अटेंड करना है अच्छे से, ओके। स्कॉलरशिप मिले नहीं मिले वो बात की बातें हैं, बट टेस्ट जरूर अटेंड करना। इसलिए कल सुबह जुडिशरी का क्लास नहीं है, कल सुबह संडे को स्पेशल UPSI मूल विधि और महिला बाल अपराध ओरिएंटेड मैराथन क्लास जो है वो रहेगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि मंडे को मॉर्निंग के अंदर जुडिशरी की मैराथन क्लास रहेगी, ओके। संडे को मॉर्निंग के अंदर सुबह UPSI की मैराथन क्लासेस हैं, और मंडे को मॉर्निंग के अंदर क्या रहेगा, UPSI का मैराथन क्लासेस है जो रहेगा। और बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइफ में सब कुछ छोड़ना बट साथ मत छोड़ना। अगर आप चाहें तो July 28 के इस बैच को भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन है जो कर सकते हैं। और एंड में इतना ही, अपने अलग अलग हैंडल बने हुए हैं सोशल हैंडल, आप फेसबुक पर जाकर सर्च कर सकते हो, या फिर आप ट्विटर इंस्टा पर भी लिंकिंग लॉज को सर्च कर सकते हो, और साथ साथ में यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर साथ में कनेक्ट करके रखो, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचने से किसी भी कारण से रुके नहीं, है ना। चलिए तो आज का, और कुछ पूछना चाहते हो, चलिए 2 मिनट है हमारे पास। अगर आप आज के क्लास में और भी कुछ जानना चाहते हैं, बिहार APO मेंस के लिए भी, निधि जी प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, कमिटमेंट तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बिहार APO के कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लिए सटीक हो, टू द पॉइंट हो, उनको लेकर मैं एक शो लेके आ सकूँ, ऐसा एक प्रयास करूंगा। सर टेस्ट के लिए क्या करना है, कहां से मिलेगा, सीता नायक जी इसी आप लिंकिंग लॉज के अंदर एक वीडियो मैंने बना रखा है 5 मिनट का, आप जाके उसको एक बार उस वीडियो को देख लीजिए, उस वीडियो में सारी डिटेल बता रखी है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होगा, ठीक है। अनअकैडमी के ऐप पर होगा, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, सारी डिटेल जो है वहां पर होगी, ओके। अनअकैडमी के ऐप पर होने वाला है, कब होगा, मॉर्निंग 11 बजे होगा, 11 से 12 एक घंटे का टाइमिंग होगा। हाँ जी प्रीति जी क्या पूछना चाह रहे, टेस्ट कैसे होगा, वही तो बता रहा हूँ मैं, आप लिंकिंग लॉज में वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल जिसपे आप अभी लाइव सेशन देख रहे हो ना, पहली बात तो इसको अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब और नोटिफाई करके रख लो, ताकि हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक क्विकली पहुँच सके, ओके। अब टेस्ट आप उस वीडियो को देख लेना, साइड उस 5 मिनट के वीडियो में पूरी डिटेल मैंने बता रखी, सब कुछ मिल जाएगा। अभिषेक राय जी निश्चिंत रहिए, संडे मॉर्निंग कल सुबह अपने सारे साथियों को इकट्ठा कर लेना, UPSI का तांडव क्लास करेंगे शानदार तरीके से, ओके। हाँ जी 28 जुलाई की क्लास कैसे ज्वाइन करें, शशांक जी 28 रेगुलर बैच है, इसके लिए आपको एक तरीके से सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनअकैडमी को, जो भी पीरियडिकल आपको ठीक लगे, मतलब इसमें 3 महीने का, 6 महीने का, 12 मंथ का जो भी सब्सक्रिप्शन आप लोगे ना, उसको आप सब्सक्राइब करके उस क्लासेस को अटेंड है जो कर पाओगे। लेकिन हाँ लिंकिंग 10 LINKING लिंकिंग 10 कोड को इस्तेमाल करोगे, थोड़ा 10% का कॉस्ट बेनिफिट वहाँ पर ज़रूर मिल जाएगा, ओके। चलिए तो जो ये क्लासेस रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, लिंकिंग लॉज के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप ये अभी लाइव शो देख रहे हो, इसी शो के ऊपर क्या होगा, हमारा मैराथन क्लासेस भी होने वाला है कल सुबह और मंडे मॉर्निंग में भी। मंडे मॉर्निंग जुडिशरी का 7:30 AM मॉर्निंग के अंदर, और कल सुबह UPSI का। अब UPSI वाले कैंडिडेट कब से कह रहे थे कि सर मूल विधि का क्लास ले लो, मूल विधि क्लास ले लो, तो कल चलो फाइनल किया है, अब देखते हैं कल कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं। अब ये आपके लिए चैलेंज है, आपकी बात मैंने मान ली, अब मेरी बात आप लोग कितना मानते हो, कल सुबह प्रेजेंस में पता चल जाएगा। और कल सुबह की प्रेजेंस अगर धमाकेदार हुई, तब तो UPSI के 2-3 एपिसोड और भी डील करेंगे, नहीं तो उस एक एपिसोड के अंदर भी आप अपने तनसुख सर को अच्छे से इंजॉय करना, और मैं भी आप लोगों के साथ को इंजॉय है जो ज़रूर करूँगा, ओके ठीक है। चलिए तो आज के सेगमेंट को यहीं पर समअप करते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच।